एक परफेक्ट फिल्म की क्या परिभाषा होती है? यही ना कि उसमें डांस हो, हीरो विलेन की जमकर धुलाई करे, रोमांस करे, म्यूजिक ऑन टॉप हो और हाँ, इमोशन के साथ साथ कॉमेडी का तड़का भी लगे। कार्तिक आर्यन कुछ इसी फार्मूले के साथ अपने फैंस के लिए शहजादा के रूप में फुल टू मसाला फिल्म लेकर आए हैं। अब कार्तिक के इस नए अवतार को उनके फैंस कितना पसंद करते हैं ये तो बॉक्स ऑफिस बताएगा। जिंदल एंटरप्राइज के मालिक रणदीप जिंदल यानी कि रोनित राय और उनकी कंपनी में काम करने वाला स्टाफ वाल्मीकि यानी कि परेश रावल के घर में बेटे का जन्म होता है। किसी कारणवश वाल्मीकि दोनों बच्चों की अदला बदली कर देता है। ऐसे में जिंदल कंपनी का इकलौता शहजादा बंटू यानी कि कार्तिक आर्यन एक मामूली से कलर का बेटा बनकर रह जाता है और वहीं कलर का बेटा राज यानी कि राठी जिंदल घराने में ठाट से रहता है। अपनी फूटी किस्मत लिए बंटू को हमेशा सेकेंड हैंड चीजों से गुजारा करना पड़ता है। नौकरी ढूंढते बंटू की मुलाकात समारा यानी कि कीर्ति शैनन से होती है। बॉस के रूप में मिली समारा को देख बंटू उसके प्यार की गिरफ्त में पड़ जाता है। इसी बीच उसे वाल्मीकि की इस घिनौनी सच्चाई का भी पता चलता है। अब कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। क्या बंटू अपनी सच्चाई जिंदल फैमिली को बता पाएगा? वहीं क्या परिवार बंटू को अपनाने के लिए तैयार है? समारा और बंटू की लव स्टोरी का क्या होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर का रुख करना पड़ेगा। अगर इस फिल्म में डायरेक्शन की बात करें तो रोहित धवन देसी बॉयज ढिशुम जैसी फिल्मों के बाद शहजादा लेकर आए हैं। शहजादा साउथ के ऐसे फिल्म की रिमेक है जो बॉलीवुड के 80 के दौर के मसाला फिल्म की याद दिलाती है। 80 के उस फ्लेवर को आज के कंटेम्पररी दौर पर रोहित ने फिट करने की एक सफल कोशिश की है। रोहित की इस फिल्म में एंटरटेनमेंट का डोज एकदम सही मात्रा में है, ना ही कुछ ओवरडू करने की कोशिश की है और ना ही कुछ कमतर रखा गया है। फिल्म बेशक रिमेक है लेकिन उसमें रोहित का टच भी साफ नजर आता है। साउथ वाले कई सीन्स को उन्होंने हिंदी में बनाते वक्त क्रिस्प किया है। मसलन फर्स्ट हाफ में जिस तरह से अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की केमिस्ट्री को एक लंबा टाइम फ्रेम दिया है, वहीं हिंदी में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कम समय में लव स्टोरी को एस्टेब्लिश कर दिया जाए। हाँ, जरूरी बात, फिल्म के शुरुआत का 15-20 मिनट अगर आप मिस कर देते हैं तो कहानी को समझने में शायद आपको दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट हाफ की बात करें तो फिल्म थोड़ी सी लेंथ में लंबी लगती है और कुछ सीन्स बिना वजह ठूसे जान पड़ते हैं जिसे देखकर एडिटर की लापरवाही समझ आती है। वहीं सेकंड हाफ में फिल्म एक रफ्तार पकड़ती है, खासकर फिल्म में वन लाइनर्स और कॉमिक पंच इसके सेकंड हाफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मोनोलॉग के लिए फेमस कार्तिक आर्यन का नेपोटिज्म पर दिया गया सीन वाकई सीटियां बजाने पर मजबूर करता है। क्लाइमेक्स को एक अलग मोड़ पर खत्म किया गया है। हाँ, फिल्म का फर्स्ट हाफ जहाँ कार्तिक और कीर्ति के रोमांस पर फोकस होता है तो वहीं आखिर तक पूरी फैमिली ड्रामा में तब्दील हो जाता। आखिर के कुछ 30 सेकंड में कीर्ति सेनन नदारत रहती हैं, जिसे देखकर कीर्ति के फैंस जरूर निराश होंगे। अगर आपने फिल्म का ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा है, दावा है कि ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। फिल्म का म्यूजिक साउथ वर्जन की तरह अभी तक जुबान पर नहीं चढ़ पाया है। रिलीज से कुछ दिनों पहले ही कार्तिक ने करेक्टर ढीला सॉन्ग रिलीज किया है। अगर इसे थोड़ा जल्दी रिलीज करते तो शायद गाने को एक अच्छा स्पेस मिल जाता। सिनेमेटिकली फिल्म बहुत खूबसूरत लगती है। स्क्रीन पर भव्यता का पूरा ख्याल रखा गया है। एडिटिंग पर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो 2 घंटे 46 मिनट की ये फिल्म थोड़ी और क्रिस्प हो सकती थी। फिल्म में एक्शन की तारीफ करनी पड़ेगी। कार्तिक की स्टाइलिंग और एक्शन दोनों ही टॉप क्लास का लगा। चश्मा उड़ाते, बीड़ी पीते और स्वेक में स्कूटर चलाते कार्तिक स्क्रीन के हर फ्रेम में जसते हैं। फिल्म की पूरी कास्टिंग इसका प्लस पॉइंट है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म में खुद को बतौर एंटरटेनर एक्सप्लोर किया है। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और थोड़ा इमोशन, हर उस एसेंस को कार्तिक ने स्क्रीन पर बाखूबी बरकरार रखा है। कहीं भी वो ज्यादा या कमतर नहीं नजर आए हैं। वहीं वकील के रूप में कीर्ति सेनन का काम भी डिसेंट रहा है। हालांकि फर्स्ट हाफ की तुलना में सेकंड हाफ में कीर्ति उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। वाल्मीकि के रूप में परेश रावल की कार्तिक संग नहले पे दहले वाली जोड़ी परफेक्ट रही। मनीषा कोइराला और रोनित राय अपने किरदार में काफी सहज लगे। इसके अलावा राजपाल यादव भले कुछ सीन्स में नजर आए हो लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की रही है। एक एंटरटेनर फिल्म होने के साथ साथ ये फिल्म आपको परिवार के कुछ वैल्यूज भी सिखा जाती है। कार्तिक इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे। इस फिल्म में वो सारी क्वालिटी है जो एक सिनेमा लवर ढूंढता है। फिल्म में अगर कुछ ज्यादा लॉजिक ढूंढेंगे तो निराशा हाथ लगेगी, लेकिन एक प्योर एंटरटेनमेंट के मकसद से फिल्म देखेंगे तो वक्त अच्छा गुजरेगा। आज के समय में कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चे ही रोल करते हुए नजर आने लगे हैं।
ऐसा मानना कहीं न कहीं पर सही भी है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं के बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में बड़े आसानी से और बिना किसी स्ट्रगल के अभिनय करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी असली कला को भारतीय सिनेमा जगत में जगह मिल ही जाती है और अभिनय की कदर करने वाले व्यक्ति अपने स्ट्रगल के दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन कर देते हैं। आज हम आपको ऐसे ही अभिनेता के जीवन से रूबरू कराने वाले हैं जिनका बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है, परंतु आज के समय में वो चार्मिंग बॉय एक्टर के रूप में उभर के आए हुए हैं। उस अभिनेता का नाम है कार्तिक आर्यन। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अकेले एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने सपनों को साकार करने के लिए परिश्रम करता है। आज के आधुनिक जमाने के यंग और टैलेंट अभिनेता का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 22 नवंबर 1988 को हुआ था। कार्तिक के मित्र उनको कोकी और उनकी माता उनको गुड्डू कहकर संबोधित करते हैं। कार्तिक ने अपनी शुरुआती शिक्षा को ग्वालियर के सेंट पॉल स्कूल में पूरी की। फिर इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए वो मुंबई आकर रहने लगे। इसके बाद भी कार्तिक ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और डीवाई पॉलिटेक्निक कॉलेज से आर्यन ने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई पूरी की। कार्तिक के पिता मनीष तिवारी एवं उनकी माता माला तिवारी का पेशा चिकित्सक के रूप में है। कार्तिक के पिता बाल रोग विशेषज्ञ और वहीं पर इनकी माता स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं। और इतना ही नहीं, कार्तिक की एक बहन है जिसका नाम किट्टू है और वो भी पेशे से डॉक्टर ही है। कार्तिक ही अपने परिवार में ऐसे थे जो भारतीय सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहते थे। कार्तिक के परिवार में सभी लोग डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, मगर हमेशा से कार्तिक का सपना था कि वो भारतीय सिनेमा में एक बार जरूर से अपना नाम रोशन करे और इसमें अपना सफल करियर बना सके। अपने सपनों को हकीकत का रूप देने के लिए कार्तिक आर्यन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग का भी सहारा लिया। कार्तिक ने कुछ समय तक मॉडलिंग भी किया और इसी दौरान उनको इनकी पहली फिल्म भी मिल गई, जिसका नाम था प्यार का पंचनामा। इस फिल्म को लव रंजन ने वर्ष 2011 में निर्देशित किया था। इस फिल्म में कार्तिक को एक रज्जो नाम का किरदार करने को मिला था और कार्तिक ने अपना डेब्यू भी इसी फिल्म से किया। इनको अपनी पहली फिल्म से सफलता प्राप्त हो गई थी। कार्तिक ने इस फिल्म में अपने एक किरदार के डायलॉग को 5 मिनट तक बिना रुके बोल दिया था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड से कम नहीं था और इसी संवाद को भारतीय दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड से कम नहीं था, क्योंकि कोई भी अभिनेता अपनी पहली ही फिल्म में इतना कठिन डायलॉग बोलने में एक बार जरूर से नर्वस हो जाएगा, परंतु कार्तिक आर्यन के अंदर भारतीय सिनेमा में आने की चाह थी, इसीलिए उन्होंने इतना मुश्किल संवाद भी बहुत ही आसानी से बोल दिया। कार्तिक आर्यन के इस संवाद को भारतीय दर्शकों ने काफी पसंद किया था। लव रंजन ने कार्तिक आर्यन की प्रसिद्धि को देखकर फिर से अपनी अगली फिल्म आकाशवाणी में, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी, कार्तिक आर्यन को साइन कर लिया। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन को आकाश नाम के एक लड़के का किरदार करने को मिला था और इस फिल्म में अभिनेत्री नुसरत बरूचा को वाणी नामक किरदार करने को मिला, जो कि एक लड़की और एक लड़के के ऊपर फिल्म की स्टोरी आधारित, परंतु ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और ये पूरी तरीके से असफल साबित हुई। मगर इस फिल्म में दर्शकों ने अभिनेता कार्तिक आर्यन के द्वारा किए गए किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और कार्तिक की भूमिका को भी बहुत ज्यादा सराहना मिली। कार्तिक आर्यन ने अपनी फिल्मी संघर्ष को जारी रखते हुए फिल्मी जगत के प्रसिद्ध सुभाष घई ने यंग टैलेंट को देखते हुए 2014 में अपनी फिल्म कांची अनब्रेकेबल के लिए कार्तिक को साइन किया, मगर दुर्भाग्यवश कार्तिक आर्यन की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर असफल सिद्ध हुई। कार्तिक आर्यन को ये समय बहुत ही निराशाजनक लगने लगा था और यही नहीं, कार्तिक के लिए सबसे खराब समय भी साबित हुआ था। हालांकि कार्तिक आर्यन के अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी और वो अपना हर तरीके से बेस्ट ही देते थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी 2 लगातार फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म निर्माता लव रंजन ने कार्तिक आर्यन की पहली सफलता को देख एक बार 2015 में प्यार कम पंचनामा 2 में अभिनय करने का अवसर प्रदान किया। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ एक बार फिर से नुसरत बरूचा भी अहम भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म के पहले पार्ट की तरह ही इस पार्ट को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया और इसमें कार्तिक आर्यन की जोड़ी को भी खूब सराहना मिली और परिणाम स्वरूप ये फिल्म अपने पहले पार्ट की तरह ही सुपरहिट रही थी। इनकी सफलता को देखकर फिल्म निर्माता अश्विनी धीर ने भी कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म गेस्ट इन लंदन को भारतीय सिनेमा में उतारने की तैयारी कर ली। कहीं न कहीं कार्तिक आर्यन का संघर्ष अभी तक फिल्मी जगत में पूरा नहीं हो सका था और यही कारण था कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, फ्लॉप भी सिद्ध हुई। और अब तक कार्तिक आर्यन की तीसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप सिद्ध हो चुकी थी। केवल अभी तक कार्तिक आर्यन की 2 ही फिल्में सुपरहिट हुई थी, परंतु कार्तिक आर्यन का संघर्ष अभी भी जारी था और उन्होंने अब तक हार नहीं मानी थी। फिल्म निर्माता लव रंजन और कार्तिक आर्यन को प्रमोट करने वाले
इस फिल्म निर्माता ने वर्ष 2018 में एक बार फिर से सोनू के ट्यूटी की सूटी अपनी इस फिल्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सामने दोबारा से कार्तिक आर्यन को प्रस्तुत किया था। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन की भूमिका को एकदम से अलग रखा गया और इस फिल्म में कार्तिक को एक सच्चे दोस्त की अहम भूमिका निभाने को मिली और इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के किरदार का नाम सोनू था। हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत कम ही था, लगभग 30 करोड़ के बजट में इस पूरी फिल्म को बना दिया गया था, लेकिन भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया और खास तौर पर कार्तिक आर्यन के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया और इनकी भूमिका को भी काफी सराहना दी गई। इस फिल्म ने अपने एक महीने की कमाई को लगभग 77 करोड़ तक पूरा कर लिया, जो कि एक यंग टैलेंट के लिए मोटिवेशन के रूप में। हालांकि 2019 में भी कार्तिक आर्यन की दो फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पहली फिल्म थी पति पत्नी और वो, और दूसरी फिल्म थी लुका छुपी। कार्तिक आर्यन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो निरंतर फिल्मी जगत से जुड़ने के लिए ऑडिशन दिया करते थे, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन अचानक से फिल्म निर्माता लवरंजन ने फेसबुक पर प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए कुछ क्वेरी पोस्ट की थी और इसी क्वेरी के माध्यम से कार्तिक आर्यन लवरंजन के पास ऑडिशन देने के लिए गए थे। फिल्म निर्माता लवरंजन ने उनकी काबिलियत को देखकर अपनी इस फिल्म में अभिनय करने के लिए उनको चुन लिया। कार्तिक आर्यन को फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना भी पड़ा था और फिर उन्होंने दोबारा से फिल्म को कम्प्लीट करने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी और अपने एग्जाम को भी उन्होंने सफलतापूर्वक क्लियर भी किया था। अन्य अभिनेताओं के जैसे कार्तिक आर्यन ने अपने नाम को फिल्मी जगत में आने के बाद बदला। कार्तिक आर्यन का पहला नाम कार्तिक तिवारी हुआ करता। कार्तिक आर्यन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको अपनी फिल्म करने से पहले एक छोटे से कमरे में करीबन 12 लोगों के साथ रहना पड़ता। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास अपनी फिल्म को करने के पहले एक सेपरेट रूम में रहने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उनको ऐसी परिस्थितियों में भी रहना पड़ा। कार्तिक आर्यन बताते हैं कि प्यार का पंचनामा फिल्म में जो संवाद उन्होंने बोला था उसे बोलना बहुत कठिन था, परंतु उनके अंदर कुछ करने की चाहत थी और उन्होंने इस कठिन संवाद को मात्र 2 टेक में ही सफलतापूर्वक बोल दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस डायलॉग को याद करने में उनको लगभग 5 दिन का समय भी लगा था। उनके इस संवाद ने उनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई थी। हालांकि प्यार का पंचनामा में भी और भी कलाकार थे, परंतु कार्तिक आर्यन को सबसे ज्यादा इस फिल्म में पसंद किया गया था। यही कारण है कि कार्तिक आर्यन को अपनी पहली फिल्म में ही लोगों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। कार्तिक आर्यन को शाकाहारी खाना पसंद है। कार्तिक आर्यन को छोले भटूरे, पाव भाजी, गुलाब जामुन और गाजर का हलवा आदि शाकाहारी खाना पसंद। कार्तिक आर्यन कुछ भारतीय अभिनेताओं से भी प्रेरित हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। कार्तिक आर्यन के जीवन से एक सीख मिलती है कि कभी भी अपनी हॉबी को दबाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसको सही दिशा देकर उसमें अपना करियर बनाना चाहिए। हालांकि जिंदगी में कभी भी किसी को आसानी से सफलता नहीं मिलती, मगर इंसान का एक कर्तव्य बनता है कि निरंतर वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करता रहे। अच्छा, ये प्यार क्या होता है? प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। अबे क्या है? ये किसके लिए है? प्यार दीवाना मस्ताना होता है, ये हर आशिक के लिए, सर रोहित के लिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्यार माँ के लिए। माँ का प्यार कैसा होता है, वो कितना उसमें दीवानापन होता है? माँ का प्यार तो बहुत ज्यादा, माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार अंधा भी होता है। माँ का प्यार स्पिरिचुअल नहीं होता है? हाँ, स्पिरिचुअल भी होता है, तभी वो हर चीजें पाठ पूजा पवित्र नहीं होता है। पवित्र माँ का प्यार दुख दर्द भी होता है, बहुत चपले पड़े। स्पिरिचुअल तो होता ही होता है, जिसमें आपको हर वक्त पाठ पूजा करनी पड़ती है, सब कुछ में है। तो माँ और बेटे का जो रिश्ता है हमेशा से ही अच्छा ही दिखाया गया है, बुरा कोई दिखाता ही नहीं है। उन्होंने अपनी बहन को ही कास्ट किया था। अच्छा, उनकी बहन थी? वो उनकी रियल में बहन थी। नेपोटिज्म खत्म ही नहीं होता है। नहीं नहीं, उन्होंने पहले किसी और को कास्ट किया था, लेकिन इन वक्त पर जो रोल कर रही थी उन्होंने छोड़ दिया, तो उन्होंने अपनी छुड़वा दिया। ये तो उसके पीछे नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ही बताया था कि फिर वो अपनी बहन के पास गए तो उनकी बहन ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। जिसमें अनिल कपूर है, उनके बेटे का। हाँ, उनके बेटे का। हाँ, समझ आ गया, मतलब याद आ गया। वो भी तो है, इसमें वो चप्पल जूतों से मारती है अनिल कपूर को। इतना तो रियल लाइफ में भी उन्होंने मार से दिखाई थी। चप्पल मैंने खाई है, मार बहुत। अरे टीवी टूट गए थे। तो भाई तू तो मार खाने लायक काम ही करता है। ये एकदम सही बात है, अपना बताना।
लेकिन इन लोगों ने प्यार के चक्कर में मार खाई। मैंने मार खाई नहीं है, मैंने मार दिलवाई है। वाह, ये ना भाई और बहन के नाम पे ना हुआ ही। क्या हूँ मैं प्राउड? किस प्यार के चक्कर में? माँ के प्यार के चक्कर में, गर्लफ्रेंड के प्यार के चक्कर में, या किसी और दूसरे पीछे जाते के चक्कर? देखिए माँ के प्यार में भी तो माँ देखो बेसिकली क्या आजकल माँ क्या करती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करती है। वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड करती है और दूसरे बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है और उनको खिला रही हो तो कभी कभी खिलाते खिलाते वो ऐसे चला जाता है वो बच्चे के पेट में गिर जाता है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब सिर्फ अक्सर लोग बोलते हैं कि ये जो मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम सबसे यंगस्टर को यूज करते हैं, मुझे तो लगता है कि जिनकी एज भी हो गई है ना वो भी अपनी फेक प्रोफाइल बनाकर यूज करते हैं। अरे वो अपनी एज कम कर लेते हैं, बोलते मैं 18 साल का हूँ और जवानी का फोटो लगा देंगे और फिर ये हॉट जो लड़कियां होती है उसे चैटिंग करते हैं। और क्या पता कि वो भी रियल पिक्चर ना हो, क्या पता वो जो हॉट सी लड़की वो भी फेक हो, वो है ना, ये भी तो प्यार है सोशल मीडिया के प्रति। मेरी चीज है ना, मेरी मम्मी तो आजकल जो एक ऐप आई है ना लूडो किंग करके, अरे हाँ वो लूडो भी खेलते हैं। ये लूडो किंग में क्या है भाई? लूडो किंग में याद दिलाते हैं, लूडो लूडो आप कहीं भी खेल सकते हो ऑनलाइन बैठ के, ऑनलाइन बैठ के जैसे चैटिंग होती है। इसीलिए कहता हूँ किसी की दिशा नहीं बिगड़नी चाहिए। पर दिशा बिगड़े किसकी? दिशा बिगड़ गई तो जो रोहित है ना वो चला जाएगा, वो पड़ोस में जो दूसरे रूम में चला जाएगा। दिशा दिशा याद आया, दिशा तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी दिशा में चल रही है। लेकिन आजकल पता है जब आप कभी ऑटो पकड़ते हो या कहीं दूसरी नई जगह पर जाते हो तो किसका यूज करते हो आप? दिशा जानने के लिए मतलब गूगल मैप का यूज करते हो, तो आपको क्या लगता है कि गूगल मैप हमेशा सही रास्ता बताता है? नहीं, कई बार जंगलों में भी ले जाता है। सर बहुत काटा गूगल मैप ने मेरा, जंगलों में भी ले जाता है। मैंने बहुत डांट खाई है गूगल मैप की वजह से। पागल बनाते हैं गूगल मैप सबका, जो भी यूज करता है मत किया करो। हम जा रहे थे मुंबई से लखनऊ और मैंने बहुत डांट खाई है गूगल मैप के चक्कर में। तो पहले लोग क्या करते थे, लोगों से पूछते थे कि भैया ये फलाना जो एड्रेस है कहाँ पर, तो वो एक प्रैक्टिकल होता था। आजकल एक मशीन में सब कुछ डाल दिया गया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि यार ये बताओ कि तुम ये कपड़ा कहाँ मिलेगा, लोकल वाला, तो वो बोलेगा तुरंत मोबाइल खोलेगा टक 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 टक, दुकान पे मिलेगा कोई सी। अब वो शोरूम है नहीं, फिर भी उसके यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो है। जैसे कल ही क्रोमा पे जाना था कि भाई उसमें दिखा रहा था कि ऑनलाइन यहाँ सब कुछ, वहां गए पता चला कि वहां सामान है नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई, पागल बनाने वाले, धोखा धोखा धोखा। पहले तो प्यार में मिलता था, आजकल यहाँ में मिलने लग गया। आजकल टेक्नोलॉजी धोखा दे रही है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है बहुत बारी। तो टेक्नोलॉजी बनाता कौन? क्या प्यार में धोखा? टेक्नोलॉजी हम ही बनाते हैं, इंसान ही बनाते। अच्छा आप लोग फिल्में गौर से देखते हो? हाँ मैं तो बहुत। सबसे पहले फिल्म पे क्या आता है? सबसे पहले आता है कि ये एक अक्षय कुमार साहब है, देखा आपने उनका एक एड आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक आता है कि ये फिल्म काल्पनिक है ताकि लोग ज्यादा दिल और दिमाग पे ना ले। हाँ तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत मैं बताऊँ जो हमारे कमेंट में बताएगा ना उसको प्राइस मिलेगा। नो तो मैं ही बता दूंगा, मुझे प्राइस देना कितने, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन चीजें हैं। बेसिकली क्या हुआ कि 1906 में एक राष्ट्रपति नाम के मतलब जो अंतिम शाही वंश था रशिया में, मतलब वो बेसिकली कि वो एक आम आदमी थे, अच्छा। किसान थे, लेकिन वो जो भी चीज बोलते थे वो बात सच हो जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ छोड़ करके साधु बन गए। अब उनकी हर बात कोई मानने लगा। अरे सच है काल्पनिक? ये एकदम ट्रुथ है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। तो वो जो भी बताते गए वो सारी चीजें सच हो गई। हाँ तो वहां पर एक बार उनके राजा का जो बेटा था वो बीमार पड़ गया।
अब जो बीमार पड़ गया तो लो मोटिवेशन होने लगी, भाई कैसे कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला देखो ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, तो उनके कहने के अनुसार ही वो बच्चा भी ठीक हो गया। ठीक है, फिर हुआ आया 1914, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था, विश्व युद्ध जानते हो ना, उस समय रसिया और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, और रसिया युद्ध इसीलिए लड़ रहा था कि राष्ट्रपति ने बोला था कि तुम इस युद्ध को जीत जाओगे, और उस समय जो रसिया की जो महारानी थी वो जर्मनी की थी। अब लोगों में चारों तरफ चर्चा होने लगी कि भाई ये जो राष्ट्रपति है और जो वहां की जो रानी साहिबा है दोनों के बीच अफेयर चल रहा है, और उधर से रसिया धीरे धीरे हारना शुरू हो चुका था। अब दोनों के अफेयर की चर्चा इतनी ज्यादा हुई, इतनी ज्यादा हुई कुछ बात ही नहीं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, उसका रिलेशन है। ठीक है, तो इतना ज्यादा होने का फिर रसिया पूरी तरह से हार गया। तो अंतिम जो राजा था वहां का, उसने क्या किया, इसको बुलाया, एक बार मारने की कोशिश की, नहीं मरा, फिर दूसरे बार ट्राई किया, नहीं मरा, तो उसको उठा करके ले जाकर पानी में फेंक दिया, तो पानी में डूबने के कारण वो मर गया, ये इंसान। ठीक है, राष्ट्रपति। फिर अमेरिका में एक आदमी था, उसने क्या किया कि राष्ट्रपति पर एक फिल्म बनाई, और फिल्म बनाने पर उसने राष्ट्रपति का एक अलग लड़की के साथ अफेयर दिखाया कि इन दोनों के बीच रिश्ता होता है, तो फिर किसी ने केस कर दिया कि भाई इससे मेरी भावना को ठेस पहुंची है, तो जज ने बोला कि अगर आपने ये लिख दिया होता कि ये घटना काल्पनिक है तो आपका जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता, तो वहां से शुरुआत हुई कि मतलब कि ये काल्पनिक, ये घटनाएं काल्पनिक है, ये घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित है, वहां से ये शुरुआत हो गई, तब से सारे फिल्म उद्योग ने करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसकी बात सच हुई पुतिन की? नहीं, कहा उसका बात है ना, रास्पुतिन पे एक गाना भी बना है, हिंदी में पढ़िएगा, वो काफी वहाँ फेमस है। ठीक है, आपके यहाँ जो जितने बाबा लोग हैं इनसे कहीं ज्यादा वो फेमस है, उनकी ज्यादातर बातें हमेशा सच्ची हुई है। आजकल इंस्टाग्राम पे वो गाना बहुत मतलब वो ट्रेंड पे चल रहा है, वो वैसे है उसका, There was once a man who lived in Russia long ago. Yes. अब तुम सुनोगे कैसे? चलते तो तुम सड़क पर हो, लेकिन तुम सड़क पर चल नहीं रहे होते हो, ये पीछे सबटेक्स्ट दे रहे होते हैं ये। हाँ। वो अच्छा, उसकी शुरुआत तो ये होगी सबटेक्स्ट की। What is subtext? Subtitle, sorry. क्या बता? तुम्हें बता रहे थे तुम देखते हो। पर ये तमाकू का ऐड कहाँ से आया? ये तभी से, अब तमाकू का मैं बता रहा हूँ, बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा दो फिल्में आई थी, एक आया था उड़ता पंजाब और एक फिल्म थी ये जिसमें खली का रोल किया था रणवीर सिंह, खली पद्मावत, पद्मावत, इन दोनों में डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा दिखाए गए थे। अब लेकिन इन दोनों फिल्मों में किसी का ध्यान डिस्क्लेमर पर गया ही नहीं, क्योंकि उड़ता पंजाब पूरा उसी पर बेस नहीं, वही चीज दिखाया जा रहा। तो अक्सर जो है ये सब चीजों पर लोग ध्यान नहीं देते, लोगों को लगता है कि ये जनता के लिए दिखाया जा रहा है, ये जनता के लिए दिखाया नहीं जा रहा। बेसिकली कोर्ट कचहरी से बचने के लिए जो फिल्म डायरेक्टर है, जो फिल्म निर्देशक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज वहां फिल्मों में रखा गया। मतलब जैसे कि आपके ऊपर किसी को फिल्म बनाना है, आपसे प्रभावित है, उसने देखा भाई ये काल्पनिक, अब आप कुछ करते नहीं हो तो बोला मैंने कल्पना किया हुआ, इसलिए कहते हैं ध्यान से देख लिया करो मूवी देखते। तो लेकिन बात ही हो रही है कि यार कि मैंने भी देखा था ये इसका मूवी, वो शहजादा, तो वो यूथ के बीच काफी क्रेज है उसको, कॉलेज बॉय मतलब कार्तिक आर्यन के पीछे एकदम पागल है। कार्तिक आर्यन ना रहे तो ऑब्वियस क्रेज तो है ही। हाँ, तो काम को लगता है कार्तिक आर्यन क्रेज इसीलिए कि जो उसने वो भूल भुलैया 2 में तो वो भाई वो भूतनी के पीछे पड़ गया था, लेकिन रियल जिंदगी में वो राक्षसी के पीछे घूमता रहता है। राक्षसी? हाँ, क्या मतलब? मैं तो इसलिए कहता हूँ भाई तुम शादी करना ना किसी राक्षसी, राक्षसी शादी करना, अगर उसको तुम बोलोगे कि तू राक्षसी जैसी दिखती है तो बुरा ही नहीं मानेंगे।
वाह वाह वाह। अब जैसे अंगद है ना, अंगद की जो शादी है चुड़ैल से कर दो, ये जो बार बार बोलेगा अपनी गर्लफ्रेंड को एचओएल क्या बात भाई तू इतना, अरे भाई चुड़ैल से शादी करने से क्या फायदा बता, मैं क्यों बोल रहा हूँ, चुड़ैल से शादी का फायदा क्या होता? अरे फायदा ये होगा देख, अगर तू जो सेल्फी लेगा उसके साथ ठीक है, और फिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करेगा तो ज्यादा सुंदर तो भी लगेगा, नहीं ये दिखाई देगा वो दिखाई नहीं देगी, छुप जाएगी ना। वैसे वो चुड़ैल भी इसको बकासुर बोल सकती है, या वैसे ट्रेट्स भी है। और एक और चीज होगी, एक और चीज होगी, अगर इसका मोबाइल उल्टा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पैर तो ऐसे उल्टे होते हैं। मैं ये सोच रहा था कल मुझे सपना आया था, उसमें चुड़ैल थी, राइट, बिल्कुल चुड़ैल थी एक, और शक्ल मतलब रौनक की तरह दिख रही थी। वो चुड़ैल कैसे हुए थे, जिन हो गया, लंबे लंबे बाल थे, थोड़ा वो पहचानने में इसने गलती कर दी, एकदम पूरा ट्रांसफॉर्म, लंबे बाल, लंबे बाल। अच्छा मतलब तेरे को रौनक से इतना प्यार है कि सपनों में भी वही चीजें, सपनों में रौनक मार रहा है बाल, अरे लंबे पतली कमर, पतली कमर, कहीं उसका चेहरा कार्तिक कारण की जैसा तो नहीं था सर? बाद में क्या क्या चुटकी बजाई इसने और वो कार्तिक कारण में बदल गया चुड़ैल, तो जरूर इसको जो अनिश बाजमी जो है साहब इसको भूलभुलैया 3 में कास्ट कर लेंगे। ये लीक नहीं करनी थी इंफॉर्मेशन, हाँ लेकिन मेरे सपनों में चीज आती है सच जाती है यार। हाँ। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा कि मेरे सपनों में चीज आती है तो सच हो जाती है? मैंने कहा सर ये आजकल ये इंपैक्ट कहाँ से आ रहा है भाई? सच बताऊं कहीं लोखंड वाला के जो बैक रोड है वहां पे तो नहीं घूम रहा है आजकल? मतलब रौनक इतना स्मार्ट लग रहा है, सपनों में आके ना वो कैसे डरा रहा था। देखो जो भारतीय संविधान में पास हो गया उसका फायदा मत उठाने की कोशिश करो, ठीक है ना, वरना योगी जी आएंगे तुमको तुम्हारा वो हाल करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। योगी जी मुंबई करने के आएंगे? क्यों आ रहे? अरे योगी जी के हाथ बहुत बड़े हैं, मोदी जी आ सकते हैं, मेट्रो चलाएंगे, योगी जी आ सकते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं, वो तो खुद कानून उनके हाथ में। इस पे आवाज उठाई जाएगी, योगी जी जिंदाबाद। देखो भैया फिल्म है, फिल्म में आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर कुछ भी परोस सकते हो। तो उन्होंने कुछ भी परोसा है? किसने? रोहित धवन ने? रोहित धवन कुछ भी क्या परोसा बताइए, उसमें इमोशंस है, कॉमेडी है, एक्शन है, रिश्तों की बात करता है, प्यार को भी बहुत हल्के फुल्के में दिखाया गया है उसमें। कॉपी पेस्ट किया ना? देखिए तो उसने बोला ना कि वो तो रीमेक है, ये तो नहीं कह रहा कि वो मेरी ओरिजिनल स्टोरी है। तो दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है डालना चाह रहा था कि मैंने कुछ अलग नहीं चलाया, अच्छा लगा कि जो कार्तिक आर्यन उसमें जो स्कूटर से चलता है क्योंकि वो स्कूटर जो अपने तुमने स्कूटर चलाया है यार, स्कूटर चलाने में इतना मजा आता है, उसको जिस गली में चाहो उस गली से मोड़ते हुए निकल जाओ और फिर उस गली के सामने खिड़की खुलती थी और फिर वहां हॉर्न बजाने बड़ा मजा आता था, जब तक गेट से कोई आता तब तक स्कूटर मोड़ के सीधा सांस निकल जाओ। मेरे ख्याल से आपने बहुत किया, ये तो हर कोई करता है, मैंने नहीं किया। वो बचपन के दिन है वो स्कूल और वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, फिर जिंदगी क्या जी? तो वो छोटा नहीं है ना, बच्चा नहीं है ना, वो उसने इस टाइम पैदा नहीं हुआ था, नहीं एक्चुअली जब ये पैदा हुआ था ना स्कूटर नहीं था तो इसके सर में बाल नहीं थे, बालों का स्कूटर से क्या लेकिन लेकिन इसकी दाढ़ी मूछे थी। हम इसका टप्पा बना रहे हैं, लोगों का मुंडन सर का होता है, इसका मुंडन टाइगर श्रॉफ दाढ़ी मूछ का हुआ था, दूसरा टाइगर श्रॉफ है, उसकी दाढ़ी नहीं आ रही थी, इसकी दाढ़ी पहले आ गई थी। देखो यार क्या कॉम्प्लीमेंट मिला, टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ मैं क्या करूं, थोड़ी सी मिलावटों में गलती कर दी, दूसरों को आती नहीं मेरी जाती। देखिए अगर देखो आप देखो, मैं तो रोहित धवन को एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जिस फिल्म का रिमेक किया है वो फिल्म जो साउथ में है ना बहुत बड़ी तहलका मचाई, इसी वजह से इसको उन्होंने लिया। बेसिकली इस फिल्म की जो कहानी है ना वो लाजवाब, देखिए उस फिल्म को अगर आप ध्यान से देखें
तो वो फिल्म आपको पूरे परिवार को समझने में पूरी मदद करती है, परिवार क्या होता है और परिवार में जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एग्जैक्टली, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर माँ बेटे का रिश्ता हो या फिर दो भाइयों का ही हो, यहाँ तक कि देखो बाप बेटी का भी रिश्ता बहुत अच्छे से दिखाया गया। बाप बेटी का भी रिश्ता दिखाया गया। जो सचिन खेड़कर ने जो रोल किया हुआ है उनकी बेटी के से ही तो ब्याह होता है रोनित राय के साथ। आप तो देखिए उसको, अगर आप स्टोरी को देखो तो वो रिश्तों को जो है ना प्रेजेंट करने में कहीं से कोई कसर नहीं रखी गई। देखिए एक दिखाया जाता है कि एक बेटा जो होता है, एक बाप किस प्रकार का बेटा चाहता है, एक लेवल ऊपर उससे, ठीक है। वो जो उसमें उसका जो बेटा है वो जैसा सोचता है वैसा नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है यार मेरे जैसा तो है नहीं, क्या ये वाकई मेरा बेटा है। अब तुम सोचो कनेक्शन माता पिता का एक बच्चे के साथ क्या कनेक्शन होता है, उसको पहले से ही फील हो जाता है, जबकि उसको वहां पता है कि नहीं यार ये तो मेरा ही बेटा है, लेकिन जो इमोशंस है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको डाउट होता है कि यार इसमें ऐसे गुण कैसे आ गए। मैजिक, जादू यार, तो ज्यादा लाड प्यार, ज्यादा लाड प्यार नहीं होता बेसिकली। क्या होता है देखिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप मुंबई में हैं या दिल्ली में हैं और आपके माता पिता गांव में या कहीं पर भी हैं, तो आपकी जैसे ही तबीयत खराब होगी वो उनको अपने आप पता चल जाएगा, उनको आपको टेलीफोन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो वो तो अलग चीज होगी ना, वही तो प्यार है, रियल प्यार तो वही है। ये प्यार नहीं जो इंस्टाग्राम और ये स्नैपचैट और ये टिंडर पर चल रहा है। देखिए वैसे समझ, क्योंकि उसमें एक संवाद भी वो बोलता है ना कि जब बात फैमिली पे आ जाती है तो सर ऐसा लग रहा है डायलॉग चुराया हो सलमान खान की मूवी से। कौन सा? प्रेम रतन धन पाया नहीं। देखिए शब्दों पर किसी की बपौती नहीं होती, इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं मैं भी शब्द बोल सकता हूँ। कभी किसी ने कहा यार कि ये आप पापा क्यों बोलते हो, वो राहुल भी तो पापा बोलता है, राज भी पापा बोलता है, मुकेश भी पापा बोलता है, उस पर किसी ने केस नहीं किया। ये शब्द तो ही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब पहले फिल्में मना करती थी, जैसे कि मैं एक दिन एक शो देख रहा था जिसमें उस शो में इंद्र कुमार जी आए थे और अनिश बाजमी आए थे और सतीश कौशिक आए थे। इंद्र कुमार जी की जिन्होंने बेटा बनाया था और अनिश बाजमी जिन्होंने वेलकम बनाया था और जो सतीश जी है जिन्होंने तेरे नाम बनाया था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सतीश जी ने 13 फिल्में डायरेक्ट की है, अनिश जी ने 14 फिल्में डायरेक्ट की है और 15 फिल्में सीक्वेंस हो गया, 15 फिल्में इंद्र कुमार ने डायरेक्ट की है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि एक समय इंद्र कुमार जी को एक फिल्म बनानी थी, तो वो सतीश जी मतलब यही रहते हैं क्या नाम है ये बरसोवा के पास जो है ना, वो बरसोवा के बीच में जो पड़ता है क्या बोलते हैं वो यारी रोड के आसपास ही रहते हैं और कपिल शर्मा क्या माड़ा में रहता है, मतलब अंधेरी ईस्ट में रहता है, ईस्ट या वेस्ट में से कहीं रहता है। तो बेसिकली क्या है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले के जो डायरेक्टर थे दूसरे से बातचीत करते थे कि यार मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है बताओ इसमें क्या दिखा, डिस्कशन करते थे इसीलिए अच्छा कंटेंट निकल करके आता था। अब आजकल लोगों को डरता है, लगता है कि यार मैं एक लाइन बोल दूंगा तो मेरी लाइन को कॉपी कर लेगा। सबसे पहली बात तो कोई किसी चीज की कॉपी नहीं कर सकता है, नकल करना तो हूबहू इम्पॉसिबल। क्या जो अमिताभ बच्चन ने जो संवाद बोला है हूबहू कोई संवाद बोल सकता है, या नाना पाटेकर ने जो कोई संवाद बोला कोई बोल सकता है, या दिलीप कुमार साहब ने जो संवाद बोला कोई बोल सकता है? आप उसकी कॉपी करेंगे, कॉपी एकदम एग्जैक्ट पता चलती कि ये कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। आप उसका रिमेक कर सकते हैं। तो भाई ये जो अल्लू अर्जुन की जो फिल्म है इसको इसमें रिमेक किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि रिमेक करने में कोई दिक्कत है। और इन्होंने
थोड़ा तो मॉडिफाई किया है जैसे हम नहीं पूरे क्रेडिट्स दे रखे हैं ऑलरेडी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब आप बोल के कर रहे हो तो इसमें क्या है और वैसे भी जैसे हमारी बात हो चुकी है ऑलरेडी कि आप रीमेक जो एक वो है एक लैंग्वेज को वो दूसरे मतलब एक अच्छी मूवी को आप दूसरे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बन गई और दूसरे लैंग्वेज में दिखाना चाहते हो उसको फैलाना चाहते हो किसी अच्छी चीज को तो इसमें बुरी बात क्या है। और देखो मैं तो ये मैं बोलता हूँ कि यार जैसे कि जो लोग थिएटर करते हैं जो एक्टिंग सीखते हैं थिएटर करते हैं वहां पर एक ही नाटकों का मंचन बहुत सारे डायरेक्टर करते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो आर्ट खराब हो जाता है? लेकिन यहाँ जो फिल्म में रिमेक कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है यार रिमेक क्यों करो कंटेंट कमी आ गई। जी नहीं, कोई ये नहीं कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है इसलिए इसका रिमेक बन रहा है। यहां पर आपको बचपन से सिखाया जाता है नेगेटिव बातें करना तो आपके मन में सिर्फ नेगेटिव बातें भर गई और आप सिर्फ नेगेटिव बातें करते चले जा रहे। कार्तिक आर्यन उसमें बाहुबली की बात जिक्र करता है ट्रिपल आर की बात करता है तो आप बोलो कि भाई एस एस राजामौली से बोलेगा मैंने बाहुबली का जिक्र कर दिया उसे परमिशन लेने जाएगा बोलेगा मैंने ट्रिपल आर की बात कर दी तो सब किसी की बपौती नहीं है। देखिए क्रिएटिव हम किसी से इंस्पायर होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नकल कर रहे हैं। ये देखो तथाकथित लोग जो है इसको लेकर के ये मेरा आर्ट है मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है तो इस पर मेरा ही अधिकार है। ये वही बात हो गई जैसे कि मतलब कि हमारे देश में जो बहुत सारी चीजें क्लासिकल चीजें थी वो रद्दी के भाव में पड़ी हुई है और सड़ रही है और आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही। बेसिक यही है कि भाई कोई भी अच्छा चीज क्रिएट हो तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और अब जैसे कि ये जो फिल्म थी ये हिंदी में बनी नहीं थी ये वहां की अपनी लोकल लैंग्वेज में बनी हुई थी अब ये हिंदी में बनाई गई तो इस फिल्म का जो कहानी है और ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। वैसे आप डब फिल्में देखते हैं साउथ की डब फिल्मों से कहानी पूरी तरह समझ में नहीं आती है कि नहीं बताओ। कितने लोग फिर देख के सोचते भी यार काश ये हिंदी में होती। कितने लोग देखते देखते सो भी जाते हैं। जैसे तो वही चीज है ना एक अच्छी चीज को अगर आप अच्छी चीज है अगर दो लोग देख रहे हैं और जितनी ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी उतनी ज्यादा बढ़िया होगी। तो यही तो चीज है भाई ऑडियंस के पास जा रही है ना फायदा ही तो हो रहा है नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। और देखिए बेसिकली अगर आप गौर से देखो तो जो रोहित धवन है ना उन्होंने ठीक ठाक बढ़िया डायरेक्शन किया अपनी फिल्मों का ठीक है कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए आपको फुल एंटरटेनिंग लगेगी। कॉमेडी है सारी उनकी फिल्म। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा लिया है इमोशनल भी है और वही चाहिए लोगों को। विश्व में भी देख लीजिए किसी भी फिल्म में देखिए आपको इमोशंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उन्होंने बस सोच समझ के भी कार्तिक को डाला है ताकि क्योंकि बिकॉज वो एंटरटेनर बहुत अच्छा है। नहीं वो तो है ही है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इरा होता है हर जैसे कि शाहरुख खान सलमान खान इन सब का एक पीरियड था। अभी पीरियड है आयुष्मान खुराना का कार्तिक आर्यन का राजकुमार राव का। जनरेशन तो चेंज होगी ना भाई कि कभी सचिन अपना बढ़िया चौके छक्के मारता था फिर धोनी मारा फिर विराट कोहली मारा तो वैसे सिनेमा में भी होगा ना। ये वही बात होगी कि भाई कि आपको क्या अच्छा लगता है मटर पनीर तो रोज हम आपको रोज मटर पनीर खिलाते रहे रोज चिकन तो नहीं खा सकते रोज बटर पनीर भी नहीं खा सकते तो जीवन में चेंजेस होना चाहिए। तो रोज दाल चावल तो खाए रोज दाल चावल दिया जाएगा और वो हेल्दी भी होते हैं रोज दाल चावल नहीं खाओगे क्यों भाई मैं उसके लिए तो मैं खाती हूँ डेली। देखिए परिवर्तन होते रहना चाहिए तो अभी का जो हमारा इंडस्ट्री जो चल रहा है जैसे कि देखोगे तो जो यूथ है वो बहुत अच्छा कंटेंट लेके भी आ रहे हैं वो बहुत अच्छा अभिनय भी कर रहे हैं। जहाँ बहुत सारी वेब सीरीज आप देखेंगे जब से ओटीटी का जमाना आया हुआ है इसमें बहुत सारे जो आपको एंगेस्टर जो दबे हुए थे ना वो बाहर निकल करके सामने आए हुए वो जो एक विक्रांत मैसी क्या नाम उसका विक्रांत मैसी हाँ वो भी आजकल देखिए वो
उसकी जहाँ वेब सीरीज देख लीजिए, कोई फिल्म देखिए, अच्छा करा रहा था। वेब सीरीज बहुत अच्छी होती है। 14 फेरे देखी थी। 14 मैंने वो लास्ट उसकी वो देखी है विक्रम रे की फ्रॉम सिक्स, वो इतनी जबरदस्त जस्टिस हो गई। फिर उनकी ये थी हसीना दिलरुबा, काफी अच्छा करते हैं वो। डेथ ना अरे सबसे बढ़िया उदाहरण ये लो ना, वेब सीरीज मिर्जापुर। तो बेसिकली मैं ये कि मतलब शहजादा जो मूवी है वो कितने समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी रहेगी? मुझे लगता है 2 वीक तो रहेगी आराम से, मुश्किल से 20 दिन सर, क्योंकि ना एंटमैन भी आ रही है साथ में कल, मतलब लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ेगा, अरे बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी 7,000 टिकट बिकी है अभी तक, तो उसकी 70,000 से ऊपर टिकट बुक चुकी है, 1,00,000 होने वाली है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया में जो स्टोरी है वो उसकी अब नया, जैसे थानोस सब लोग जानते ही हैं, तो ऐसे ही एक और विलेन उसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है कि वो अब मेन विलेंस के उसमें आएगा, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। हाँ लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 6-7 करोड़ जो लोकल होता है ना, बेसिकली लोकल एक प्रकार से कार्तिक आर्यन को भी लोग लोकल हीरो मान रहे हैं, जैसे एक जमाने में सलमान खान को माना जाता था। तो उस टाइम में मार्वल इतना नहीं था, लेकिन मार्वल अभी ऑडियंस क्रिएट कर रखी है उन्होंने तक फिलहाल ऑडियंस। वो तो कोई बात नहीं, शाम तक रिपोर्ट आ ही जाएगी, मतलब कौन फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया, कोई दिक्कत ही नहीं। ज्यादा ही कर लेगी कर लेगी आराम से, अभी इसने जिस तरह देखिए जिस तरह से इस फिल्म की स्टोरी और कॉन्सेप्ट और जो है जो गाने जैसे कि मतलब चल रहे हैं, कॉमेडी है बीच में। बेसिकली देखिए ये फिल्म जो है ना अभी के यूथ को ध्यान में रख करके बनाई गई है कि अभी के यूथ को क्या चाहिए, तो एकदम उसी प्रकार से फिल्म का निर्माण किया गया, मेकिंग किया गया, ठीक है ना। और खास करके ये जो रोहित धवन है वो हमेशा यूथ को ध्यान में रख के ही बनाते हैं। अभी के यूथ को सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जैसे कि बोला जाए कि रिमेक है, तो जो इसकी ओरिजिनल वर्जन था वो काफी हिट रहा, और अभी तक जिस भी मूवी के रीमेक बने हैं कोई ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अच्छी कमाई नहीं करी है। जबकि मूवी तो इतनी भी मूवी ले लो, जर्सी कोई सी भी मूवी ले लो आप, फ्लॉप जर्सी पर ऐसा नहीं है, फ्लॉप नहीं कह सकते, वो चली है फिर भी फ्लॉप तो नहीं बोल सकते, उसने उतनी कमाई की है और वो मूवी सबको पसंद भी आई है। अब वो तुमको पसंद नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अब ये भी है कि कार्तिक आर्यन का जो क्रेज है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुका है, पहले से ज्यादा कार्तिक आर्यन का क्रेज भी बढ़ चुका है। देखिए भूल भुलैया 2 के बाद उसका क्रेज एकाएक बहुत ज्यादा, मतलब ग्राफ जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी तक अगर देखा, क्योंकि किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी भूल भुलैया 2 इतनी बड़ी हिट साबित हो। मैं बॉक्स ऑफिस की अगर बात करें तो वैसे ये एक अलग बात है, लेकिन इतना भी क्रेज नहीं है एंटमैन का जितना कि मतलब और बाकी सब मूवीज का था, तो उस वजह से भी ऐसा कोई इतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आएगा जैसे कि स्पाइडरमैन ऑफ द जो मल्टीवर्स का एक कॉन्सेप्ट लाया था उसमें से काफी इफेक्ट आया था, और जर्सी के साथ भी कुछ ऐसे ही मार्वल सीरीज है। नहीं मेरे को नहीं लगता कि मेरे को लगता उसकी है कि वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है हाँ, मतलब वो उसका भी इतना उसका मेरे को क्रेज इतना दिखाई नहीं दिया लोगों में कि एंटमैन को लेकर सब लोग बहुत वो है जितना बाकी सब चीजों को लेकर थे, तो शहजादा ले हो सकती है, मतलब कि दोनों एट पार जा सकते हैं। देखो शहजादा तो शहजादा ही है, तो मुझे तो लगता है कि शहजादा एक लंबे समय तक सिनेमा हॉल में लगी रहेगी, क्योंकि देखिए पठान के बाद कोई एक अच्छी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। पठान के बाद एक शायद अनुराग कश्यप की फिल्म रिलीज हुई थी, तो एक लंबे गैप के बाद कोई एक नई फिल्म आ रही, एक फ्रेश फिल्म आ रही है, तो लोग उसको देखने के लिए सिनेमाघर में जरूर आएंगे। ठीक है, ये इससे जो है ना कार्तिक आर्यन को भी फायदा होगा और रोहित धवन को भी फायदा। मेरे ख्याल से कल मेरे ख्याल से जो है पठान को भी फायदा होगा। पठान को इससे क्या फायदा, वो तो उन्होंने तो 500 करोड़ कमा लिए, 500 करोड़ कमाने की खुशी में 110 रुपए के टिकट रखे उन्होंने फ्राइडे को, तो जिन्होंने देखी है जिन्होंने नहीं भी देखी अब तक, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब पठान मतलब यानी कि शाहरुख खान साहब कार्तिक आर्यन से डर गए। नहीं वो डरे नहीं है, देखिए अगर आप खुशी में नहीं दिया ये बात मैं मान ही नहीं सकता हूँ, कहीं ना कहीं लग रहा है डर गए। ऐसे ये बीच में हुआ था एक बार,
स्ट्रेटेजी वो बस एक फेस दे दिया उसको कि भाई मैं 110 रुपए की टिकट, क्योंकि चारों तरफ ये बात हो रही है ना भाई कि पठान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको रथ को रोकने के लिए कार्तिक आर्य ना रहे, कहीं हो सकता है सच साबित हो जाए। क्या पता सर, वो तो कंटेंट देख के ऑडियंस को कैसा मजा आया नहीं आया, अब वो तो सब जनता जनार्दन है। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि शिफ्ट भी हो जाए, क्योंकि अभी मार्वल का भी इतना कोई स्टोरी लाइन अच्छी नहीं आ रही, तो लोग देखने जाएंगे उनको अगर पसंद नहीं आई, जहां तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि इतना वो इतना वो इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा शहजादा। और अगर देखा जाए एक ग्राफ भी देखा जाए तो हॉलीवुड फिल्मों का जो ऑडियंस है वो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, नहीं ये क्या सॉरी बॉलीवुड का ज्यादा अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड। सच सच होता है तो पहली बार बोलते हो सच होता है। तो फर्स्ट बाइट में जो तुम बोले तो आ नो मैं कब बोला जब पैदा हुए थे वही इसका सत्य था, वही इसका जीवन। देखिए तो मैं जानता ही सत्य का सत्य जो होता है ना उसका कोई प्रमाण नहीं होता, आज तक कोई सत्य को प्रमाणित नहीं कर सकता, सत्य तो सत्य ही होता है। अगर सत्य के लिए आपको कुछ और प्रमाण देने की जरूरत पड़ जाए तो वो सत्य नहीं होता है। और बच्चे है, बट बॉलीवुड की यंगस्टर भी है, बच्चे भी है, सीनियर सिटीजन भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है, मतलब ऐसा ऑडियंस भी है। कार्तिक आर्यन की ऑडियंस फीमेल ऑडियंस थोड़ी। सबसे बड़ी बात है की जो ये जो कहानी का जो सेंटर जो रखा गया वो दिल्ली रखा गया। आपको पता है कि ये दिल्ली जो है वो राजधानी क्यों बनाई गई? दिल्ली पॉलिटिकल वहां पे ज्यादा वो है। देखिए जो अंग्रेज थे सबसे पहले कलकत्ता आए थे, उन्होंने कलकत्ता को राजधानी बनाया था। अब जब वहां उनको कलकत्ता में उनकी जो स्थिति थी कमजोर होने लगी तो उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, फिर उन्होंने दिल्ली से समझ रहे हो उन्होंने सोचा कि दिल्ली से हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जनरली मैंने देखा है जैसे मुगल्स का भी पीरियड था, एक टाइम पे आगरा उनका वो था लेकिन फिर वो दिल्ली को शिफ्ट कर गए, तो दिल्ली हमेशा महाभारत में भी इंद्रप्रस्थ से दिल्ली ओनली, ठीक है, तो दिल्ली जो है वो इतना मतलब ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसके कल्चर्स वहां पे सब लोग मिल जाते हैं इसलिए, या फिर क्या उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए दिल्ली में बेसिकली क्या है ना, जब से वो राजधानी बनी है मेन तो वो राजधानी के कारण इतना ज्यादा सब कुछ हो गया, और प्लस उसके बाद दो NCR जो है गुरुग्राम और नोएडा वो भी एक मार्केट के हब है, और बगल में जो फरीदाबाद है वहां पर बहुत सारे फैक्ट्री है, और 2018 में या 2008 में समथिंग अलवर और ये भरतपुर को भी NCR में शामिल कर दिया गया। और प्लस देखो जहां तक देखा जाए तो ये जो मल्टी कल्चर जो वहां पर है ना उसका भी इम्पोर्टेंस है। वहां की ऑडियंस को पसंद आ रही है कार्तिक आर्यन की, ऑब्वियस अभी उसका एक वो देख लो, इसीलिए वो कहानी ही में दिल्ली को ही रखा गया। अभी कार्तिक आर्यन गया था इंडिया गेट पे, उसने प्रमोट किया इंडिया गेट, तभी तो गाना रखा गया दिल्ली को। कौन सा गाना? मैं मुंडा तू नहीं, दिल्ली के ऊपर एक गाना उसको रिमेक किया गया, उसमें डाला गया तेरे लिए पहली वाली छोड़ छोड़। हाँ वो तो उस वो कौन सी मूवी थी वो, ये जवानियां दीवानी में था ना, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, उसी गाने को इसने फिर से डाला गया, थोड़ा सा वही सेंस है। हाँ वही मतलब उसी के आसपास वो गाने को रखा गया, मतलब ये भी थोड़ा सेंस कॉपी वो किया हुआ है, और फिर उसको भी ले लिया करेक्टरलेस, करेक्टर ढीला है, करेक्टर ढीला सॉरी करेक्टरलेस कर रहा हूं। मतलब मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो गाना रीमेक होके, मतलब सलमान खान ने इतना बढ़िया उसको परफॉर्म किया, मतलब डांस ठीक है इतना बेसिक किया, लेकिन वो गाना जो ओरिजिनल था ना वो बेटर था। हाँ तो यही चीज तो देखने वाली है सलमान खान के बाद, अब कोई तो आया लेकिन इतना परफॉर्म अच्छे से नहीं किया एकदम से, तो देखिए पहली बात तो सलमान खान से और कार्तिक आर्यन की तुलना दोनों में अलग, तुलना तो करनी पड़ेगी अगर दोनों एक ही गाना कर रहे हैं। देखिए तुलना इसलिए कर सकते कि सलमान खान कौन है, वो सलीम साहब के सहजादे हैं, और जो कार्तिक आर्यन है वो आम लोगों के सहजादे हैं। तो लेकिन उन्होंने सलमान खान के गाने को चूज किया ना करेक्टर डीला में करने के लिए, इसीलिए तो वो अपने आप को चैलेंज दे रहे, देखो कि मैं भी इसको अच्छा कर सकता हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है?
तो बुरे भी होते हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए तुम बुरा देख रहे हो, वहाँ अच्छे थे तुमने कहा तुमने, मैंने तुमसे पूछा अच्छे भी थे, मुझे तो अच्छा लगा। किस पॉइंट पे अच्छा लगा? एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू कैसा, मतलब क्या, मतलब उसमें क्या स्कोर अच्छा लगा उसका? तो बुरा क्यों लगा मुझे, क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत फीका लगा, मतलब कि हां कॉपी करने कॉपी जो किया उसको फिर अच्छे से नहीं किया, कोरियोग्राफी जो थी बहुत ही फीकी डल सी थी। अच्छा राइट, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे एंटरटेनिंग किया, इससे पहले मैंने कई गाने देखे थे, जैसे इसका था रेस का, रेस में भी फर्स्ट में दूसरा था और सेकंड में उसी के रिपीट करके थोड़ा चेंजेस किया गया था, लेकिन दोनों अच्छे थे। अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो दोनों अच्छे थे, जैसे स्कॉर्पियो, जैसे स्कॉर्पियो जब कोई नई नई चीज मार्केट में आती है ना सेम, तो अजीब सी लगती है क्योंकि हम पहले वो चीजें हमारी आंखों के सामने है, सडन उसको चेंज कर दिया जाए तो अजीब सा लगता है कि नहीं यार ये क्या हो गया एकदम से चेंज, नहीं धीरे धीरे अपने आप अच्छे लगने। अब जैसे झूमे जैसे पठान से, वो भी तो टाइम लगा है, लोगों ने बाद में पसंद किया, शुरू में तो किसी को भी वो गाना पसंद नहीं था, वो आफ्टर मूवी देखने के सी हमेशा अपने ऊपर नहीं, हमें यार लोगों के बारे में भी देखना था। मैं बता रहा हूं मेरे को पसंद था, लेकिन बाद में मैं थोड़ा टर्न ऑफ हुआ कि उसको ना उसको भी कॉपी किया गया, बना पब्लिशिंग ले लिया होगी देखा जाए, अच्छा बेसिकली देखा जाए कि इसको कॉपी से दिक्कत, कॉपी से दिक्कत है कि कॉपी क्यों है, और पहले पसंद आ रहा है पता चल गया कि कॉपी है, वो देखिए आज का ट्रेंड चल रहा है कि कॉपी, मेरी यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि लोग दिक्कत क्यों है, को कॉपी से दिक्कत क्यों है सर, उसमें ओरिजिनल क्या रह गया फिर, मतलब कि अगर हम आपने हेयर स्टाइल रखा हुआ होगा, ये सिंपल सा इस बात में बता रहा हूँ कि आपका जीवन ही रिपीटेशन पर निर्भर करता है, आपका जो जीवन इस कंपनी तो अगर मैं आईफोन 13 चला रही हूँ और वो आईफोन 13 चला रहा था, मतलब हम दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, अरे वो मेरी पसंद है, वो मेरी पसंद है, इससे मैं चला रहा हूँ उसकी पसंद है, हाँ तो डायरेक्टर की जरूरत हो गई, इस चीज की और कंटेंट मर गया था क्या, वही वाली बात है, और हेयर स्टाइल खत्म हो गया देखिए कंटेंट के बाद में बता रहा हूँ, सब कुछ प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है, फिल्म हमेशा प्रेजेंटेशन से अलग होती है, कंटेंट तो हर फिल्म का एक ही होता है, चलिए बताइए बाहुबली का जो कंटेंट था, जो ट्रिपल आर का कंटेंट था, दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों रिश्तों पर फिल्में थी, वो तो सर हर एक प्लॉट नहीं नहीं, 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 नहीं वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो प्रेजेंटेशन बेसिकली किसी भी फिल्म को उसका जो प्रेजेंटेशन है किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है और उसका कैनवास कितना बड़ा हुआ है वो उसे अलग करता है। तो बाहुबली का अलग स्टोरी है, अलग टाइम पीरियड की, और देखिए बाहुबली में भी रिश्तों को दिखाया गया है, ट्रिपल आर में भी रिश्तों को दिखाया गया है, देखिए वो तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो सबसे कि आप कैनवास चेंज करिए, सबसे बड़ा तो उसमें सिमिलैरिटी है, दोनों की दोनों माइथो से ली गई है, बाहुबली माइथो से ली गई है, ट्रिपल आर भी माइथो से ली गई है। अब जैसे कि आप क्रिस की बात करिए, जैसे कि अभी क्रिस 4 जो बनने जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि राकेश रोशन जो है ना उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती कुछ, आजकल तो वो ठीक है, वो बाहर से हॉलीवुड का डायरेक्टर बुलाने वाले हैं जिसको ऑस्कर मिला हुआ हो, तो बजट तो ऐसे ही 1000 करोड़ चला जाएगा। देखिए अब क्रिस इतना ज्यादा वो है ही है ना सब कुछ, मैंने कहा सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन को चेंज करने के लिए, थिंकिंग को चेंज करने के लिए पूरा एक सेटअप चेंज हो जाएगा। मैंने बोला बताया हुआ था कि आपके जीवन में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा महत्व, अभी आप जैकेट नहीं पहने हुए, अभी एक सिंपल टी शर्ट में है यहां पर, क्योंकि यहां का ज्योग्राफी अलग है। तो बेसिकली कहानियां हर फिल्मों की, हर वेब सीरीज की सब सेम ही होती है, वही माता पिता, वही बेटा, वही लवर, वही भाई, भाई बहन, सब कुछ होता है, बस उसको आपका जो देखने का जो प्रश्न करने का जो वो है ना वो एक यूनिक होना चाहिए। तो दुनिया में तो भाई है ना रिश्ते तो एक ही है ना, रिश्ते तो गिने चुने ही है ना, रिश्ते तो बढ़ नहीं सकते, भाई बहन का रिश्ता होगा, बहन भाई का, भाई भाई का, माता पिता का, चाचा ताऊ, यही तो रिश्ते होंगे, रिश्ते थोड़ी ना बड़े हो गए, बस ये कि रिश्तों में जो चीजें हैं, एक प्यार है या तकरार है जो भी है इसमें फर्क होता है, उसकी वजह से रिश्ते बदल जाते हैं। देखो मैं तो कहता हूँ भाई शहजादा को
जो है शहजादा की तरह ही देखो, और हर किसी को शहजादा देखने जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको एक रिश्तों की महक होगी, माँ का प्यार दिखाई देगा, और प्लस आपको पता चलेगा कि कमीना बाप कैसा होता है, वो भी आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली आपको विलन और नायक, कमीना बाप तो नहीं, मतलब कमीना इंसान हो गया ना वो, तो वही बाप कमीना थे नहीं, मतलब उस मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन मतलब वो उस चेंज कर लेता है ना, तो वो तो एक उसके लिए तो बाप होना हो, तो इंसान हो, तो अपना इंसान हूँ मैं इसके लिए, मैं इसका देखिए ऐसे बहुत सारे करेक्टर हुए हैं, जैसे कि पन्ना ध्यान, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, वो अच्छा इंसान तो कतई नहीं है, हाँ लेकिन मुझे उससे दिक्कत है जो उसका नाम वाल्मीकि, क्योंकि जो वाल्मीकि नाम है बेसिकली उन्होंने इतने बड़े महाग्रंथ की रचना की है, मतलब कि रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की है, और उस नाम से जो खलनायक बना दिया गया वो थोड़ा सा चुभा, लेकिन ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। शायद मतलब इसका ये नहीं हो सकता कि वाल्मीकि ने रचना करी थी, तो इसमें भी एक अलग रचना, जैसे आपको नाम कॉपीड होने में चुभा, वो गाने कॉपीड होने में अलग लगा, नहीं नाम कॉपीड होने में चुभा नहीं, देखिए जब कोई चीज आइकन बन जाता है, समझे, अब वाल्मीकि जी कोई एक छोटी मोटी हस्ती नहीं रहे, जैसे तुलसी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, देखिए उसी लिए तो बोला जाता ना डिस्क्लेम, और इससे मैं क्या बात किया था, वो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, डिस्क्लेमर दे दो आप, जैसे कि आपने रामायण देखी है पूरी, कोई भी अपने भाई का नाम विभीषण नहीं रखता, मैंने तो आज तक नहीं सुना है नाम, किसी भी लड़की का नाम कैके ही नहीं है, किसी का नाम दुर्योधन नहीं है, किसी का नाम दुशासन नहीं है, किसी का नाम रावण भी नहीं है, तो मैं वाल्मीकि पर इसलिए प्रश्न उठा रहा हूँ कि वाल्मीकि का जो नाम है वो एक बहुत बड़ा चीज क्रिएट करने के लिए, तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी, तो ऐसा इसलिए इसका इस कैरेक्टर का नाम रखा हो, क्योंकि इसने अदला बदली करके रचना कर दी है, चलिए कोई नहीं, जो रचना कर दी किस्मत, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो स्टोरी नहीं बनती। हाँ। सक्सेस होने के लिए क्या दिल टूटना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है टूटना, तभी इंसान सक्सेस हो सकता है। ऐसा कैसे? ये अच्छा मतलब ये तो वो वाली बात है कि मतलब पहले खून निकालो ठीक करने के लिए, तो ऑब्वियस अगर दिल टूटने से इंसान सक्सेस होता है तो भाई मैं तो बार बार तोड़वाने के लिए तैयार हूँ। कार्तिक आर्यन और शाहरुख खान का कितना दिल टूटा, तो इन सबके भी टूटे, या शाहरुख खान का भी ले लो, कोई ना कोई तो उन्हें भी पसंद होगी। अच्छा अब मुझे समझ आया सलमान खान इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। बोल सकता है बिकॉज उसका एक बोल सकते कि जब आपको कोई सामने वाला डिच करता है तो आपको एक तरीके से चैलेंज मिल जाता है, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया, तो एक तरीके से वो मुझे चैलेंज ही तो कर गया ना, यार इसे मुझे डिच कैसे कर दिया। तो मतलब जिनके भी दिल टूटे सब अमीर हो गए। आप कितने सिंगर्स को ले लो, अरिजीत को ले लो, वो कितना बड़ा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सलमान खान, और जो बेचारा कबीर सिंह बन जाता है उसका क्या। सलमान खान का दिल नहीं टूटा है तभी वो सक्सेसफुल हुआ है। ऑब्वियस पहले शुरू की उनकी स्टोरी लिख लो, सब चल रहा था, पर शाहरुख खान का भी टूटा है क्या? तुमने कभी जानने की कोशिश करी कि उनका दिल क्यों टूटा था? अच्छा तुम यही बता दो अरिजीत का दिल क्यों टूटा भाई, वो तो अरिजीत से पूछना पड़ेगा ना। जब तक हार्ट ब्रेक ना, और कोई आपको एकदम आपको अंदर से झकझोर ना दे, आपको नहीं पता चलता कि आपकी रियल पावर क्या है। इम्तियाज अली जरूर इसको लेकर के रॉक स्टार का सिक्वल बनाएगा। मुझे बना रहे, काश मुझे लेके बनाते। पर रॉक स्टार में वैसे वो सिर्फ दिल तोड़ने के लिए जाता है, इस बार फीमेल को लिया जाएगा ना। वाओ मतलब रणबीर कपूर के अपोजिट में मुझे लेंगे, इम्तियाज अली सर सुन रहे हो मुझे ले लेना। तो ये क्या कार्तिक आर्यन जो भी का नया का छोरा है, मतलब धड़ाधन, मतलब उसके बारे में देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह हर कोई उसकी रील बनाया जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, हर जगह जा धूम मचाए हुए पूरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आदित्य चोपड़ा बट अब ये भी तो देखो ना, कार्तिक आर्यन की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी लड़कियों में है ना, लड़कियों में है, मतलब कितनी लड़कियों के दिल तोड़े बोल के फैमिली। कार्तिक आर्यन का भी तो दिल टूटा है भी रिसेंटली सारा अली खान के साथ, देखा उसी के बाद। अरे और वो भी दूसरी उसे दिल तोड़ना उसे इसलिए कहते क्योंकि अरे यार मेरा दिल टूटा है, मेरे को एक मूवी दो। मेरे कहने का मतलब
ये है कि भी कार्तिक आर्यन को सारा अली खान बहुत पसंद थी, लेकिन सैफ अली खान सर ने बोला कि नहीं वो है एक नवाबों के मतलब वो सारा अली खान को कार्तिक आर्यन पसंद था और मुझे तो लगता है कार्तिक आर्यन की जो सफलता है ना, जो एक बेसिकली जो अर्ध नारी स्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस लड़के में आधी नारी और आधा पुरुष दोनों को मिला दिया जाता है वो सारे सक्सेसफुल हीरो। वो तो गे कहलाता है। नहीं दिया नहीं नहीं आप देखिए दिलीप कुमार, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, ये सब फेमिनिज्म की तरफ ओरिएंटेड है। मतलब इनके अंदर एक कहते नहीं वो एक, कि हल्का सा मतलब इनके अंदर वो चीज आता है, मतलब लड़कियों में पॉपुलैरिटी ज्यादा है इनकी। यस तो लड़कियों ने इनका क्या, लड़कियों से इनका देखिए देखिए लड़कियां उनको कम पसंद करती हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मैस्कुलिन, जैसे कि सनी देओल। तो लेकिन सनी देओल की सर फैन फॉलोइंग और स्टारडम वो बॉयज में है, चाहे सनी देओल हो चाहे धर्मेंद्र हो, इन सबका बॉयज ज्यादा पसंद करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती इन सबको बॉयज। सलमान खान शुरुआती दौर देखो, शुरुआत में कैसा दिखता था, एकदम तुम्हारे जैसा दिखता था, एकदम चेहरा एकदम जस्ट सलमान खान जैसा। मैंने उसके मैंने क्या क्या देखा, सलमान खान अपकमिंग, शाहरुख खान, हाँ एकदम आम चेहरा था उसका। उसने ये जो फिल्म आई थी इसकी जिसमें गाना था वो जाने जाने, हाँ वहां पर उसने ना बॉडी उसने पहले ही बनाना चालू कर दिया जब उसकी एक फिल्म आई थी सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जो आई थी उसी में उसने बॉडी दिखाने की बात की। लेकिन देखिए एक सफल एक्टर होने के लिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ या सक्सेस होने के लिए सिर्फ दिल टूटना ही जरूरी है, वो एक कारण नहीं हो सकता। हाँ वो एक ऐसा मोटिव से मिल सकता है, हो सकता है कि इंसान को ये लगे कि यार मेरे को फेलियर महसूस हो तो वो मेहनत करेगा। भी तो मिलती होगी ना कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो किसी को देख कर आती हो या किसी ने आपको चैलेंज किया हो, या फिर एक एक होता है कि हाँ यार मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को उतना देना, तो कहीं ना कहीं से वो चीज तो आई होगी अंदर। ऐसे ही थोड़ी ना है कि हाँ मेरे को एक्टिंग बनना है, बट उनका एक लिमिटेड तो वो होगा नहीं, जितना पैसा कमाना है। जरूरी है क्या, मतलब बिना दिल टूटे या बिना कोई ट्रेजेडी हुए इंसान सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दिल टूटना सिर्फ लड़की के संदर्भ में मत लीजिए, नहीं लड़कों के संदर्भ में भी। ये भी पूछ रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप जब किसी मुकाम पर आप पहुंचने की कोशिश करते हैं तो जब तक आपको असफलता नहीं मिलेगी तब तक आपको एहसास ही नहीं होता है। जैसे आप एक पेज से चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो आपकी कभी ना कभी रफ्तार धीमी हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक बार एक इंसान महात्मा बुद्ध के पास गया तो बोला कि महात्मन आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान बताइए कि जिससे कि मैं बहुत धनवान बन जाऊं। बुद्ध ने कहा देखो मेरा दो काम करना है, तुम एक काम करो कि तुम यहां से थोड़ी दूर पर चींटियों का जो है घर आउंदा है, और तुम चींटियों को जो है तोड़ना है उनका घर, उनका घरौंदा तोड़ देना, लेकिन किसी चींटी को दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा आगे। फिर वो नौजवान ने बोला इसे बहुत छोटी सी बात झलक। वहां पर उसने देखा तो बहुत सारी चींटियां है उनके घरौंदे थे, फिर देखा कि कुछ दूर पर और घर आंदे हैं तो उसने हटाने की कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया, कुछ को उसने हटा दिया, लेकिन जब हटा दिया फिर दूसरे दिन गया तो फिर चींटियां वहां पर अपना घर बना रही थी। मतलब तो मतलब ये था कि वो वहां पर पहुंचा तो फिर से वो काम कर रही थी, उतने ही उत्साह उतने ही लगन से वो अपना फिर से दोबारा घर बना रही। तो इसका एक मेन रिजल्ट ये है नो वन स्टॉप यू ना। एग्जैक्टली ये भी है, लेकिन ये भी है कि अगर आप गिर भी गए हो तो डबल उत्साह के साथ आप अपने काम में लग जाइए। तो वहां पर उसको महात्मा जी जो गौतम बुद्ध थे उसको बेसिकली ये सिखाना चाहते थे कि देखिए चींटियों को देखिए वो अपने से ज्यादा वजन जो है ना उठाती है, मतलब समझ रहे हो, उठाती है और ले जाती है। तो वहां पर घरौंदे जब देखा वहां जाकर के मतलब तो सब
मिट्टी निकालती रहती है, खोदती रहती है। तो कार्तिक आ रहे हैं इसमें, कार सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कार्तिक कौन सी इतनी मेहनत कर रहा है, उसको किसी ने मतलब उन्होंने क्या डबल चीज़? देखिए कार्तिक आर्यन के बारे में कहा जाता है कि जब वो थर्ड ईयर में था, देखिए बेसिकली क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक, एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो एक बढ़िया नौकरी कर सकता था, और जब वो कर रहा था तो उसका इंजीनियरिंग का बहुत वैल्यू था, मार्केट में बहुत ज्यादा बोलबाला था, आराम से एक आम इंसान के जीवन जी सकता था, लेकिन वो ऐसा डिसाइड नहीं किया, उसने एक संघर्ष का रास्ता चुना। देखिए सबसे पहली बात तो आपका ख्वाब कितना बड़ा है, किसके लिए जीना चाहते हो? अगर वो एक बड़ा इंजीनियर बन जाता तो क्या करता बताइए? तो उसको कहीं ना कहीं उसको भी तो हार्ट ब्रेक तो हुआ होगा, चाहे किसी भी चीज़, उसको कितने सारे रिजेक्शंस मिले होंगे ऑडिशन के टाइम पे। एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, वो पहले जब ऑडिशन देने के लिए आया यहाँ मुंबई में, तो 2 साल तक वो घूमता रहा, कहीं से उसको सफलता ही नहीं मिली, लेकिन वो थका नहीं, रुका नहीं, तो ये तो वो सिर्फ चलता रहा। ये तो नेचुरल है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको सडन तो कुछ मिलेगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ लेकिन बात यहाँ पर है कि क्या आपका हार्ट ब्रेक होना जरूरी है? वही चीज मैं कह रहा हूँ, मतलब यानी जब तक कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई कस्टमर आपको जब तक रिजेक्ट ना कर दे, आपके दिल पे लग ना जाए, तब तो आपको अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें? तो इससे इंसान डीमोटिवेट क्यों होगा? ये फिर ये वाली लाइन क्यों बोली जाती है कि आपसे आपसे रिजेक्शन नहीं सहा गया? डीमोटिवेशन कहां से आ गया? रिजेक्शन देखिए कई बार जैसे आप ही बोल दोगे कि अगर आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और वो फिर बोले कि मतलब वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बन जाए, ठीक है, और उसके बाद आपका और उसका सामना सामना हो, ठीक है, और आपको फिर वो अब आपको रिजेक्ट कर दे, तो कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि तुझसे रिजेक्शन सहा नहीं गया। ये ऐसा कुछ नहीं है, कितने सिंगर्स को भी हमने देखा है कि वो रिजेक्शन तो देते हैं। ये तो सर वो एक टाइम था, एक टाइम पीरियड था, आप अपने लिए नहीं, आप सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हो। देखिए सामने वाले को दिखाने के लिए, आप अपने आप को प्रूव करने के लिए, यही बात एग्जैक्ट शाहरुख खान के साथ भी हुई थी, जब गौरी जो है जुहू पे मिली थी, उसने बोला तुम्हारे पास क्या है, ना गाड़ी है ना पैसा है, तो इसमें ईगो आ गया ना। देखिए ईगो आए या कुछ भी आए, लेकिन आया तो पॉजिटिव चीज के लिए आया ना, नेगेटिव चीज के लिए नहीं आया ना। अगर आपको पॉजिटिव चीज के लिए आता तो वही आपके लिए आगे सफलता का एक मार्ग ढूंढ लेता है। अब से कार्तिक आर्यन जो शुरुआत में जब सड़कों में घूम रहा था, महाड़ा में घूम रहा था, पहले महाड़ा की गलियों में घूमता रहता था वो चारों तरफ, तो एक आम चेहरा था, जैसे कॉलेज में एक बॉय होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस प्रकार के चेहरे बहुत आम होते हैं, आपको गली के दूसरे किनारे छोरे पर वैसे छोरा मिल जाए खड़ा हुआ, वैसे बॉडी बनाया हुआ, वैसे एकदम स्लिम टाइप से, एकदम एकदम बहुत आम चेहरा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बहुत अलग एक चेहरा है, उसके चेहरे में पूरा कोई अलग नहीं है, एकदम कॉमन चेहरा है, जो आपको एक दूसरे सड़क पर एक लड़का वैसा मिल जाएगा, हल्की सी जिम किया हुआ है, किया हुआ एकदम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है, और ऐसा भी नहीं उसकी डायलॉग डिलीवरी में बहुत सारा वो चीज है अमिताभ बच्चन की तरह नहीं, मतलब लेकिन एक्टर बनने लायक है, साधारण इंसान, उसकी जो वो कहते नहीं कि जो कॉमन मैन जो था ना वही उसको हीरो बना दिया, क्योंकि हर इंसान को एक कॉमन मैन नहीं चाहिए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राज कपूर हो, या शाहरुख खान हो, या कोई भी एक्टर जो बना है, वो एक आम आदमी से मिलता हुआ, क्योंकि देखिए आप तभी एक्टर लोकप्रिय बन सकते हो जब आपको लगे कि यार मैं भी एक्टर बन सकता हूँ। तो इसमें ये क्या कहते हैं, ये कॉमन फिजिक, कॉमन मैन टाइप का एक फेस हो गया, एक हो गया यूनिक टाइप का, तो किसको ज्यादा प्रॉफिट है इसमें? देखिए हीरो बनने के लिए यूनिक चेहरा नहीं चाहिए, कॉमन खलनायक बनने के लिए यूनिक चेहरा चाहिए, हीरो बनने के लिए आपको आम चेहरा चाहिए, सिंगर बनने के लिए आम गायकी चाहिए, जैसे किशोर कुमार जब गाते हैं ना तो आपको लगता है आप भी गा सकते। नहीं मेरा एक ये भी पॉइंट है, चलो ये वाला तो एक कॉमन और यूनिक आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन इसकी जगह एक बारी जब उसने एक्टिंग कर दी तो उसको लोगों ने भी तो पसंद, जैसे कार्तिक आर्यन है, ठीक है, वो आया, अब उसको उसका जो फेस कट है वो लोगों को काफी पसंद, मेरे को तो ये लगता है कि जैसे शाहरुख खान हो गया या कार्तिक, अभी पहले कार्तिक आर्यन की बात कर लेते हैं, कार्तिक आर्यन का फेस कट बहुत अच्छा था तो उसको लोगों ने पसंद कर करके, वो एक आम चेहरा था डियर, कुमार गौरव बहुत ही ज्यादा हैंडसम, बहुत ज्यादा स्मार्ट था,
और आस्की में जो हीरो आया था राहुल राय, वो भी बहुत ही स्मार्ट था। देखिए सबसे पहली बात तो जो आर्ट है ना वो हमेशा लोगों के लिए होता है। जब तक लोगों को ये नहीं लगता कि यार ये मेरा अपना है, जैसे आजकल आप शास्त्रीय नाटक क्यों खत्म हो गए, जितने भी क्लासिकल थिएटर थे वो क्यों खत्म हो गए, क्योंकि लोग उससे अपना जुड़ाव नहीं महसूस करते। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब मैं एमफिल के दौरान था तो मेरा टॉपिक जो था उत्पल दास साहब को लेकर के था, तो उत्पल दास साहब को जब मैं पढ़ना शुरू किया वो पूरा इंग्लिश में बोलते थे, सब कुछ बातचीत करते थे इंग्लिश में ही सोचते थे। उनके बारे में लोग कहते हैं कि दत्त साहब जो है ना ऐसे लगता है उनको देखकर जैसे शेक्सपियर के साथ बैठकर चाय पिए हो, सोचिए। लेकिन जब वो शुरुआती दौर में नाटक करना चालू किए तो वो उनको सफलता ही नहीं मिली, वो ऑडियंस से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या हो रहा है। फिर वो बंगाल की तरफ गए, गांव में देखा, देखा यात्रा हो रहा है और यात्रा में लाखों 2 लाख भीड़ आ रही। तब उन्होंने सोचा यार ये गड़बड़ है। तो उनको डर गए, उनको बंगाली नहीं आती थी, जबकि खुद बंगाली कम्युनिटी में जन्म लिए थे, लेकिन उनको बंगाली नहीं आती थी क्योंकि उनको लालन पालन से बाहर हुआ था। वो बेसिकली बांग्लादेश के थे और वो उनकी पढ़ाई बाहर हुई थी। तो फिर उन्होंने बंगाली सीखी, हिंदी सीखी, फिर उन्होंने अपने नाटकों में यात्रा के जो फोक एलिमेंट्स थे उनको शामिल किया। फिर उसके बाद तो उनके नाटक धूम धूम आम जनता से कनेक्ट। देखिए कोई भी जो मूवी बनती है वो एक आम जनता के लिए बनती है। सहजादा क्या है, सहजादा का रीमेक जो मतलब साउथ इंडियन जो फिल्म थी, इसका रीमेक क्यों किया गया, क्योंकि बेसिकली इस मूवी में आम जो जनमानस है ना उसको ही सर्वोपरि दिखाया गया है। दो फैमिली दिखाई गई है एग्जैक्टली। और इसमें भी वो जो उसको दिखाया जाता है कि यार वो अपने एक संवाद देखा होगा आपने ट्रेलर को देखते हुए, जब वो परे साल से कहता है कि मेरे जूते फट गए। मतलब जूते क्या जरूरत है, मैं सोचो वो जूते नहीं ले सकता है। तो वो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपकी सारी इच्छाएं पूरी ही हो जाएंगी तो आप जीवन में करो क्या। इसलिए तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा इच्छाएं ही जीवन की व्याख्या है। तो आप जो आप कह रहे हो कि जैसे जो अभी एक एरा पहले आया था जिसमें कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स दिखाई जाती थी, जब पहले बॉलीवुड में एक ऐसा एरा आया था, तो वो अगर एरा वापस आया जाए या उस पर अगर जो काम कर रहा है तो वो एक्टर जो है वो जो आम जनता से कनेक्ट कर रहा है बेसिकली वो कह रहे हो कि देखिए वो जो मूवी है सिर्फ आम जनता से नहीं होती, उसमें देखिए पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल ये तीनों कंडीशन जो है लागू होती है। ये तीनों जैसे कि अमिताभ बच्चन का अगर आप इरा देखते हो तो एंग्री यंग मैन आया, तो कहा जाता है कि उस समय जो इंदिरा गांधी के सुपुत्र यानी कि संजय गांधी वो पूरा एक एंग्री यंग मैन का स्वभाव था, तो उन्हीं के कैरेक्टर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई। और इसका प्रमाण तब भी मिलता है जब इब्राहिम अलकाजी शेक्सपियर के जब नाटक करते हैं जूलियस सीजर या बाकी जो नाटक करते तो उसमें राजीव गांधी हत्याकांड या राजीव गांधी हत्याकांड और इंदिरा गांधी हत्याकांड दोनों को शामिल करते हैं। तो सिनेमा भी पढ़ चाहे कभी सिनेमा का रुख आम जनता की तरफ क्यों जा रहा है। आप बड़े बड़े सिनेमा उठाकर देख लीजिए, आप केजीएफ उठाकर देख लीजिए, उसमें एक आम आदमी को कहां से कहां बनता दिखाया जाता है, जर्नी दिखाई जा रही है, बेसिकली एक संघर्ष को दिखाया जा रहा है। आप इसमें देख लीजिए ट्रिपल आर में देख लीजिए, एक आम आदमी जो जूनियर एनटीआर रोल करता है, और फिर उसमें जो रामचरण है वो भी एक आम आदमी दिखाया गया है, एक छोटे से उसका दिखाया गया। बेसिकली अभी जो सोसाइटी में दिखाने की कोशिश की जा रही है, देखिए आप भी हीरो हैं, आप भी सहजादा हैं, आप सबके अंदर एक सहजादा बसता है, आप सब एक सहजादा बन सकते हैं। देखेंगे कैसे उसको, उसका पता कैसे चलेगा, उसको हम बाहर कैसे निकालें। आपको अपने अंदर के सेल्फ को ढूंढना पड़ेगा। उसी ने कहा जाता है क्या दिल का टूटना जरूरी है, कभी कभी लोगों का दिल टूटता है उसको लेते नहीं, हल्के में लेते हैं यार, उनके लिए कोई माने नहीं रखता या किसी उनका दिल तोड़ दिया। समोसा और चटनी खा रहा होता जैसे मैं तो आइसक्रीम खाती हूं बैठ के, तो समोसा चटनी में आइसक्रीम खाती हूं बैठ के। आते ऐसे दिल टूटना सीरियसली कैन लेना नहीं है। तो वही तो रॉकस्टार की रणबीर कपूर है, समोसे चटनी की लड़ाइयां लड़ रहे हो भैया तुम, यहां पे आइसक्रीम की लड़ाइयां लड़ रहे हो, दिल टूटना नहीं हो जाता। बिना दिल टूटे भी तो हो सकती है। देखिए दिल टूटना सिर्फ लड़की के संदर्भ में, अभी मैंने नहीं मैं वही कह रहा हूँ सर, ये चीज जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेजेडी होना जरूरी हो, ऐसा ना हो कि ट्रेजेडी का मतलब ये नहीं हो। देखिए बेसिकली होता है कि हो सकता है कि बचपन में आपने कभी डिमांड किया हो कि पापा मुझे ये खिलौना चाहिए और किसी कारणवश आपके पिताजी वो खिलौना नहीं दिला पाए,
तो आपने उसी समय मन में ठान लिया होगा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि अपने मन पसंद की हर चीजें खरीद सकूं। तो वो भी तो मोटिवेशन, मतलब ये है कि इंसान की, चाहे कोई भी इंसान हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, किसी की लाइफ में ऐसी चीज तो होगी जरूर। देखिए इंसान जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है जी। लोग कहते हैं कि यार मैं तो इसको दिल पे लेता नहीं, इंसान हर बात को दिल पे लेता है। ऐसी कोई बात ही नहीं जिसको दिल पे नहीं लेता हो, क्योंकि इंसान के अंदर ईगो इतना ज्यादा भर गया है कि वो भूल चुका है कि वो खुद ही इंसान है। तो वो तो हर चीज के लिए ना, कोई भी आइडियल सिचुएशन तो है ही नहीं, जैसे कि कोई भी आइडियल सिचुएशन आप कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि अपने आप को, मेरा तो ये भी मानना है कि आप अपने आप को कितना वो कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं तो आपका वो हिडन रहेगा ही कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाओगे इतना तो। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि यार ठीक है अंदर जानते हैं कि वो कैसे है, बट वो करना ही नहीं चाहते अपने ऊपर। और ये भी तो बात है ना कि अगर आपका रिजेक्शन, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि बचपन में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से आपने सोच लिया कि मैं ये चीज करके रहूंगा, तो कभी कभार एक तो पॉजिटिव साइड पे तो हम बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं कि हाँ जब पॉजिटिव साइड हो गई, मान लो वही अगर उसका नेगेटिव साइड हो जाता है तो नेगेटिव विलन बन जाता है, सोसाइटी के लिए खतरनाक बन जाता है, वो भी अपनी जगह सहजादा ही होता, उसको लगता ही नहीं कि मैं गलत हूँ। अभी आप हिटलर से बोलो भाई कि आपने इतना ज्यादा कत्लेआम किया है, अगर अभी हिटलर की आत्मा को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ आओ ए हिटलर आ हम तुमसे डिबेट करना चाहते हैं, तो बोलेगा नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ। तो इसी चीज को देखते हुए अगर उसको ये गिल्टी फील हो जाए कि मैं गलत हूँ तो करेगा कैसे। इसी चीज को देखते हुए क्या हार्ट ब्रेक होना जरूरी है क्या, ये अगर मतलब एक पॉजिटिव साइड हम अचीव कर सकते हैं तो नेगेटिव चीज को मतलब अवॉइड करने के लिए भी। तो देखिए इसका बेस्ट उदाहरण जो है ना, इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म रॉक स्टार में पेश किया है, इसके लिए हम उसका उदाहरण लेते हैं। रॉक स्टार तो मेरे को इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें पॉजिटिव साइड जितना दिखाया कि वो सक्सेसफुल हो गया, उतना ही उसका नेगेटिव भी उसमें दिखाया कि वो कितना वो भी हो जाते हैं अंदर से नेगेटिव। तो आपको क्या लगता है कि सफल होने से आपको सफलता की सीढ़ियां मिलती चली जाती, उसके साथ दुख भी आता है? देखिए आपके जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख, और दोनों दुख आपके साथ में आएंगे। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को कोई समस्या नहीं है? बेचारे नंगे पैर चल रहे, क्या उनको समस्या नहीं है? नहीं, सुख और दुख आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी को कोई समस्या नहीं है? सुख और दुख तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नेगेटिव ट्रेट भी तो आ जाता है, मैं दुख की बात नहीं कर रहा। देखिए नेगेटिव को आप किस सेंस में लेते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सफलता व्यक्तिगत है या पारिवारिक है या देश के लिए। सफलता के भी पैमाने अलग अलग होते हैं, एक सफलता होती है जो एकदम पर्सनल होती है कि मैं अपना अपने इंडिविजुअल पहचान बना सकता हूँ, तो ये सफलता आपकी क्षणिक होगी, बहुत लंबी नहीं होगी। अगर आप अकेले सिर्फ सफल होना चाहते हो तो फिर आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाओगे, क्योंकि जो माइंड का आपका जो साइकी है ना वो कहीं ना कहीं जाके जो है वह ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में नहीं, हम लोगों को लेकर के चलेंगे तो जब भी आप थकोगे ना, जो आपके साथ लोग रहेंगे ना वो बोलेंगे और बताओ रौनक क्या हाल चाल है, कुछ दुख है यार चलो यार चाय पीते हैं। तो हमेशा जो सक्सेस है ना वो कंबाइंड होती है, उसके पीछे और लोगों का भी हाथ होता है, सफलता कभी भी इंडिविजुअल नहीं हो सकती। आपने बोला सफलता के साथ तो और लोगों की भी जो भी आपने भागीदारी होती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भागीदारी होती है उनकी भी, बल्कि तो आपको क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी होगी अपने अकेले बड़ी होगी? नहीं, उसमें आपके माता पिता का रोल है। आपके माता पिता ने लोगों के पास पहुंचाया आपको ना, स्कूल ले गए तो लोग जुड़े, टीचर्स के आपके गुरु का, आपके कुछ दोस्त होंगे उनका। देखिए बेसिकली ये नहीं होता कि आपके ऊपर किसी ने पैसे खर्च कर दिया, वही मतलब आपको सपोर्ट का माध्यम होता है। इमोशनली भी तो एक सपोर्ट होता है, कभी कभी आपका मन बहुत व्यतीत हो जाता होगा यार किससे बात करें किससे बात। आज के टाइम में कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, किसी के पास तो वक्त भी नहीं होता है कि दूसरे से फोन पे बात कर सके, सब अपने काम में इतने व्यस्त हैं। तो इमोशनली देखिए मैं इस चीज को एग्री नहीं करता हूँ कि आज की तारीख में भी कि सारी दुनिया खत्म हो गई। माना कि लोग कहते हैं कलयुग चालू हो गया है, भगवान फिर से अवतार लेंगे, मैं भी उस भगवान का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ बैठ करके साक्षात करना चाहता हूँ। वो तो बहुत टाइम है, पता नहीं जितना होगा बोल पता नहीं अभी कितने सालों में आने वाले हैं। मैंने तो जहाँ तक सुना था लाखों हजारों सालों में आने वाले हैं, पता नहीं वो एक घोड़ा लखा हुआ है उसका, मैं तब तो मैं भी जा चुकी होंगी ऊपर, तो जाके दरार भर देता हूँ अभी। तो देखिए अगर कार्तिक आर्यन को आप ध्यान से देखें तो उनके साथ एग्जैक्ट वही हुआ,
उनका भी दिल टूटा है, टूटा है रिजेक्शन से, रिजेक्शन से, और उनको भी लड़कियों ने मना किया है। एक समय था कि उनको लड़कियां पसंद ही नहीं करती थी, और आज देखो करोड़ों लड़कियां, और आज लड़कियां क्या कार्तिक आर्यन को पसंद कर रही है? मुझे लगता है कि कार्तिक आर्यन को नहीं, कार्तिक आर्यन की सफलता को पसंद कर रही है, मतलब उनकी स्टारडम को पसंद। यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक जो सफल जब हो जाता है इंसान, लेकिन वो इंसान के जरिए तो सफल हुआ। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो एक ब्रेक मिला, एक ब्रेक मिला, इंसान से प्यार कहाँ हुआ फिर? अब कभी कभार ऐसा करियर से प्यार हुआ ना, एक ब्रेक मिला, बट वो एक्टिंग अच्छी करता है तभी तो लोग उसको पसंद करते हैं ना। अगर वो एक्टिंग ही अच्छी नहीं करता तो कोई उसे क्यों पूछेगा, कोई लड़की उसे क्यों पूछेगी? जरूरी नहीं कि उसके स्टारडम से, उसकी एक्टिंग स्किल से उनको, उसने अपने आप को प्रूव किया, प्रूव किया है फिल्मों में, तभी तो लोग आज वो हर तरफ चर्चा हो रही है ज्यादा की। ही सो स्मार्ट, और उनका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। गुड, ही सो चार्मिंग। बुला देता हूँ कार्तिक आर्यन को। ये तो ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, पहले उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, वो सक्सेसफुल हो जाता है, फेम पैसा सब कुछ होता है, फिर उसके पास सब कुछ, मतलब लोग बिना बुलाए भागे भागे आते हैं, खड़े रहते हैं मिलने के लिए, इंतजार करते हैं, तो ये थोड़ी ना हुआ कि वो इस इंसान से प्यार कर रहे हैं सर। देखिए उस समय उस इंसान के अंदर जो भी चीज था, हो सकता है कि वो लोगों के सामने अपने आप को अभिव्यक्त ना कर पाया, क्योंकि उसका नेचर अभी भी उसका जो पोटेंशियल था उसके अंदर था जी, और उस समय उसने उस चीज को लोगों के सामने बयां नहीं कर पाया, ये भी तो हो सकता है। रीजन बहुत हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा ही नहीं कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा हो आगे जाके सफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। देखिए बेसिकली क्या होता है, सफल वो इंसान होता है जो समय के साथ चलता है, ठीक है, और समय के अनुसार जो देश काल आपका होता है, ठीक है, उस चीज को समझता है। आपको हर चीज को समझना होगा, ठीक है, अपने आसपास के माहौल समझना होगा, आपके देश में क्या हो रहा है, आपको पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल इन सारे चीजों को आपको समझना होगा। आप देश से कट के रह करके आप सफल नहीं हो सकते। अच्छा मानिए कि जैसे मेरा एक क्वेश्चन था, ब्रेक मिल गया, ठीक है, ब्रेक मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जो जिनको जो इतना नहीं आगे पहुंच पाए ब्रेक मिलने के बाद भी, ब्रेक तो उन्हें मिल गया, लेकिन जैसे कार्तिक आर्यन को ब्रेक मिला, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है ना कि लोगों ने उसको फिर ब्रेक मिलने के बाद जो उसकी इमेज है, जो कि ब्लंटली अगर बोले तो उसका फेस कट, ठीक है, वो उसको लोगों को अच्छा लगा। ऐसे ही शाहरुख खान का जो उसका रोमांटिक का वो था जो वो प्रेजेंट करता था, शाहरुख खान के डिंपल पे भी लोग बहुत पसंद, हाँ, जो उनका ये सब चीजें थी उस पे उन्होंने शुरू करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि उनका एक पोर्ट्रेट पकड़ कर उसको लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। मैंने बोला कि ये जो आपके राजेंद्र कुमार का बेटा है कुमार गौरव, उसकी शुरुआती दौर में फिल्में सब हिट हुई थी, ठीक है, लव स्टोरी आई थी बहुत अच्छी हिट हुई थी, ठीक है ना, लेकिन एक समय बाद नहीं चल पाए। देख बेसिकली क्या होता है कि जब आप हिट होते हो तो आपको कहते नहीं कि सफल तो हो गए, लेकिन सफल रहने के लिए अपने आप को उस मुकाम को कायम रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, और कार्तिक आर्यन ने अपने अंदर चेंजेस लाए। वो हर फिल्म में आप देखोगे तो हल्का कुछ ना कुछ अलग कर रहा है, एक ही जैसा नहीं कर रहा है। तो लोगों का जो ऑडियंस का उसका सपोर्ट नहीं है, ऑडियंस का सपोर्ट की वजह से तो वो है आगे सफल है ना। जैसे भूल भुलैया के सॉन्ग्स पे डांस ले ले, या अभी उसका एक सॉन्ग आया है वो करेक्टर ढील है, मतलब आई थिंक वो डांस पे ज्यादा वर्क कर रहा है एक्टिंग के साथ साथ। देखिए वो गायन पर अच्छा कर रहा है, नहीं नहीं गायन में भी अच्छा करा, गायन का मतलब मैंने कहा सिंगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जो एक्टर होता है जो संवाद बोलता है तो उसको सुर की पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे जो एक्टर होते हैं उनकी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं होता है तो आपको एक अच्छा ही नहीं लगता वो बोलते हैं तो, ठीक है ना, एक आपके कानों को चुभता है। और बेसिकली क्या है कि कार्तिक आर्यन ने जो दर्शक की जो नब्ज है उसको पकड़ लिया। अभी क्या है मूवी क्या चल रही है, सीरियस मूवी नहीं चल रही, हल्का वो कॉमेडी जो लिए हो रही थी वो चल रही है, ठीक है ना,
तो वो हमेशा तो जब बोलता है तो उसमें आपको अपने आप हंसी आ जाती है। एक छिछोरा जो होता नहीं, मतलब आम लड़का जो है, तो वो चीज उसमें प्रवृत्ति दिखाई देती है जो आजकल अक्षय कुमार करता है। जबकि अक्षय कुमार सीनियर एक्टर हो गए हैं, वो चाहे तो ये सब सारी चीजें ना करें। नहीं, अक्षय कुमार ने अभी एक बीच में जॉनन पकड़ा था पेट्रियोटिज्म का, उन्होंने छोड़ दिया। फिर से अब एक सेल्फी ला रहे हैं, अब सेल्फी में भी देखिए, अभी तो सेल्फी से सोशल मीडिया पर उसका क्रेज बना हुआ है। बाकी जगह हम उस पर भी बात करेंगे अक्षय कुमार पर भी, क्योंकि उनकी भी अपनी एक जर्नी है जो कि अपने आप में एक दिलचस्प जर्नी है। लेकिन बात यह है कि कार्तिक आर्यन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो यूथ के लिए एक मिसाल है। देखिए, अभी आज की तारीख में एक एक्टर बनने के लिए सिर्फ चेहरा ही जरूरी नहीं है, आपका अच्छा एक बॉडी भी होना जरूरी है, ठीक है, और लुक भी मैटर करता है, ठीक है, कि किस प्रकार के अपने लुक पर काम करो। जैसे कि आप देखते हो कि अभी यंगस्टर में टाइगर श्रॉफ रोज कसरत करता रहता है, जब देखो रोज अपना, और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप कितना अपडेट रखते हो। आप मेन जरूरी अपडेट, अपडेट का मतलब होता है कि सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया से दूर हो तो फिर आप आपकी हीरोगिरी भी खत्म हो जाएगी। आप क्या क्या काम कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, सब कुछ आजकल एकदम कहते नहीं कि ये जो सोशल मीडिया है ना आज की तारीख में, ये आपके लिए सांसों की तरह हो गई। जितना जरूरी आपके लिए मतलब ये सांसें हैं जीने के लिए, वैसे सफलता के लिए आज के लिए सोशल मीडिया हो गया। तो मतलब कि अगर आपको एक्टर बनना है, एक अच्छा सफल एक्टर बनना है, तो आपको सोशल होना बहुत जरूरी है। यस, सोशल होने का मतलब है कि सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। एक जो सोशल होता है दूसरा होता है, सोशल सोशल होता है गैदरिंग करना। गैदरिंग करने की जरूरत नहीं, देखिए आपके अंदर कोई आर्ट है जी। आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करिए, उसको सोशल मीडिया पोस्ट कर दीजिए, हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, कोई हो सकता है कि आपके चेहरे को तलाश रहा हो, वो आपको ले लेगा, किसी भी फील्ड में ले सकता है। यानी आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज है या आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है तो वो आपको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ, जैसे सब लोग ऑडिशन देने जाते हैं तो वो लोग उनको टैग भी तो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो भी तो एक्टिव ही रहते हैं, कर सकते हैं। यूनिकनेस की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे आपने बोला यूनिकनेस होता क्या है, पहली बात वो मैं समझ नहीं आता। लोग कहते हैं यार इसमें एक यूनिक कला है, यूनिक कला नहीं होती, हर इंसान को अपना एक बनाना पड़ता है। शाहरुख खान जब फैलाता है हाथ, कैसे फैलाता है, ये देखो शाहरुख खान है। तो ये उसने पैदा किया। हाँ, तो ये तो उसका आप जैसे अमिताभ बच्चन होता है तो हम तुम्हारे बोलता है ना, मतलब वो आप अपनी शैली पैदा करिए ना। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, स्टाइल हो गया है हर अपना। हाँ, तो हर किसी को अपना बनाना पड़ेगा ना, तो वही तो यूनिक हो गया ना एक। देखिए बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कार्तिक आर्यन है उनको एक समस्या है, उनको थोड़ी सी समस्या है। उनका जो शुरुआती दौर में जब उन्होंने अभिनय की ट्रेनिंग लिया था तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मतलब हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो ग्वालियर से थे ना, तो वहां से नहीं, ग्वालियर तो पूरा मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट में आता है, बहुत अच्छी हिंदी नहीं थी। उन्होंने ट्रेनिंग लिया, उन्होंने अच्छे से सीखा। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप अच्छे से सीखे हुए रहते हैं ना तो आपको अभिनय करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, हीरो बनने के लिए बस ऐसे बोरिया बिस्तर उठाया, सीधा आ गए ऑडिशन देना शुरू कर दिया, तो उनको समस्या आएगी। ओके, तो मतलब लैंग्वेज पे भी वर्क करना पड़ेगा। यस, देखिए एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। लैंग्वेज किस सेंस में? लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको अच्छे से आप हिंदी बोल लेते हो। देखिए सब समझना जरूरी है, क्योंकि वरना तो फिर जो हिंदी में पीएचडी कर रहा होगा उसकी भाषा सबसे अच्छी होगी, वो भी एक्टर बन सकता है। नो, क्यों? लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज की आपको एक समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लैंग्वेज मतलब बेसिकली मैं उस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अभिनय में शरीर की भी अपनी एक भाषा होती है, बॉडी का भी अपना एक भाषा होती है, और प्लस दूसरी जैसे आप एक्टर बनते हो तो आप सामने बैठे हुए इंसान को देखिए किस मूड में, उसकी जो बॉडी की भाषा उसकी समझ में आना चाहिए। और दूसरा आपको रीजनल जो होता है, रीजनल लैंग्वेज जो होती है उसका जो टोन होता है वो पकड़ना आना चाहिए आपको। तो उसके लिए कहा जाता है कि जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा
टू सी टू वॉच टू ऑब्जर्व, जितना जगहों पर आप घूमेंगे विभिन्न विभिन्न स्टेट के लोगों को आप देखेंगे कि कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं। बेसिकली देखिए, इस लैंग्वेज को जानने के लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते। अब आपको सोच रहे हो कि एक्टर बनने के लिए ज्योग्राफी की बात, हाँ, वो तो बिल्कुल ही एक्टिंग है। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि अभी ये पैंट में हाथ डाल के बैठते नहीं, ऐसे खड़े नहीं हो जाते, ये बेसिकली इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है। ये वेस्टर्न है। ये जब ठंडी में प्रदेश में वहां पर आप जाएंगे, ठंड पड़ने के कारण ठंडी से मतलब बचने के लिए हाथ डालते थे, वो बाद में स्टाइल बन गया। इंडिया में तो लोग धोती पहनते थे, तो धोती को पकड़ के उठा के बैठते हैं, ये इंडियन स्टाइल हुआ। और ये भी जो जितना फैशन चल रहा सब वेस्टर्न स्टाइल हुआ। ये है ज्योग्राफी, आपके हाव और भाव। तो देखिए एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, देखो आप जब ठंड के प्रदेश में होते तो आपका बैठने का तरीका अलग होता है, और वही जो गर्मियों का जो मौसम होता है उसमें बैठने का तरीका अलग होता है, और जो बरसात का जहां मौसम होता है वहां बैठने का तरीका अलग होता है। अब बारिश में तो आप बैठ नहीं जाओगे, उसमें बैठोगे भी तो अलग से दिखोगे, कहीं कुछ लकड़ी है कुछ है तो तभी बैठोगे ना, और जहां पर गर्मी होगी वहां कहीं भी आप बैठ सकते हो। तो देखिए आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, ये सब कुछ वहां के उस क्षेत्र के ज्योग्राफी पर निर्भर करता है। जैसे ठंडी में क्या होगा, तो आप कैसे बात करोगे, ठंड लग रही तो बात करने का तरीका अलग होगा, उड़के बात करेंगे ऐसे। यस, और आपको गर्मी लग रही तो कैसे बात करोगे, पसीना पोंछते हुए। हाँ। आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया बात करते हुए। ठीक हुआ ना, ये मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी का नॉलेज इसलिए होना जरूरी है, ये नहीं कि मतलब वहां जनसंख्या कितनी है, वहां के लोग खेती क्या बारी हो रही है, वो तो कृषि में आ जाता है, वो भी जानना जरूरी है। एक और चीज होती है क्या, एक्टर बनने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है, पढ़ा लिखा इंसान। देखिए बेसिकली एक्टर बनने के लिए किताबी ज्ञान होना जरूरी नहीं, इसको बहुत सारे लोगों ने प्रूव कर दिया, लेकिन एक्सपीरियंस माने रखता है, तजुर्बा। आप अपने जीवन में कितना ज्यादा से ज्यादा आपने चीजों को एक्सपीरियंस किया है। बट ऐसे कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने जाके स्पेशली एक्टिंग के लिए पढ़ाई करी है ताकि वो अच्छे से एक्ट मतलब कर सके। बहुत सारे आजकल तो सारे लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, रणबीर कपूर ने डायरेक्शन कोर्स किया, एक्टिंग का कोर्स किया। बट आप जैसे अभी शाहरुख खान का बेटा भी, उसने भी बाहर से कोर्स करके आया है, अभी हमारे एक दोस्त हैं वो भी उनको शाहरुख खान के बेटे को सिखा रहे हैं। ये चीज तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि अगर हमें गाड़ी चलाना है तो गाड़ी के बारे में ज्ञान होना तो जरूरी है। हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपने ट्रेनिंग सेंटर से सीखा हो। हाँ, लोकल अगर रोड पे लोकल से भी सीख लिया तो आपको नॉलेज होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। देखिए एक्टर बनने के लिए बेसिकली कहा जाता है कि कोई भी गेम खेलने के लिए, अभिनय भी एक गेम ही, आपको सारे नियम पता होना चाहिए। अगर आपको नियम नहीं पता तो आप गेम कैसे खेलेंगे। आपको पहले एक दायरा फिट करना होता है, जैसे कि बाउंड्री, जैसे क्रिकेट आप खेलते हो उसका बाउंड्री, भाई ये बाउंड्री के अंदर गिरा तो चौका, बाउंड्री के बाहर गिरा तो छक्का। वैसे ही भी अभिनय में भी बहुत सारे ऐसे नियम है जिनको जानना जरूरी है। तो कार्ट पर आप ये भी तो कह सकते हो ना कि अगर किसी का बंदे का एक्सपीरियंस है उसमें, वो एक्सपीरियंस से भी तो सीखना जरूरी है ना। हाँ, अभी आपने कहा जैसे कि अगर जैसे जैसे मान लेते हैं क्रिकेट की बात करते हैं, तो बाउंड्री है और उसके उसको उधर बाउंड्री तक पहुंचाने के लिए जो उसने स्टाइल बनाया है, उस स्टाइल के क्या यूजफुलनेस चीजें हैं और क्या हार्मफुलनेस चीजें हैं। कोई नया प्लेयर आए उसको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। अब बेशक वो अपना अलग एक स्टाइल बना सकता है तो, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है, दूसरे प्लेयर्स जो ऑलरेडी उधर है उनके बारे में एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो पर कार्तिक आर्यन ने क्या एक्टिंग की क्लासेस ली होगी? नहीं, कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक्टिंग की क्लासेस ली, विधवत उसने ट्रेनिंग लिया हुआ। ओके, उसके बाद फिर उन्हें रिजेक्शंस मिले, तब जाके रिजेक्शंस के बाद वो सक्सेस हुए। यस, बट ऐसा जरूरी है? मतलब मेरे को आपने जैसे कई बार बोला है कि एक ये एक्सपीरियंस से मिलता है, तो आपने कहा था कि एक आम इंसान भी एक्टर बनता है तो वो तो आसपास के लोगों से भी सीख सकता है। देखिए आसपास के लोगों से सीखना आसान नहीं होता है। जैसे कि आपके आपको किसी बच्चे को बोलो पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ेगा, उसके माता पिता बोलते हैं चलो पढ़ लो तो पढ़ता है। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो टेंडेंसी है ना, बेसिकली हमको शुरुआत से सिखा चलो करो, चलो उठो, चलो सो, ये सब चीज करो, वरना तो सीख सकता है। वरना सीखने के देखो, अगर आप नेचर को देखें तो वहां पर उसकी
जो माँ है वही उसको बताती है ऐसा करो ऐसा करो, सब सीख जाते हैं, स्वीकार करना सिखाते हैं जीवन में। तो मतलब आप कह रहे हो कि ऑर्डर जो देना होता है उससे इंसान नहीं करता है, अगर आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो? करता है और नहीं भी करता है। अच्छा तो जैसे नहीं, आपने अभी क्लियर, अभी जैसे आपने बोला कुछ वो की तो करो, आपने जैसे बोला कि आप किसी को बोलो कि पढ़ने के लिए तो वो नहीं पढ़ेगा। नहीं मैंने नहीं कहा, मतलब एक तरीके से उन्हें ऑर्डर दिया जाता है ना कि आप पढ़ लो तो बच्चे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर पढ़ना शुरू कर लेंगे। वो पढ़ते नहीं उस दौरान, बस वो खाना पूर्ति करते उतने समय के लिए, वो फिर धीरे धीरे जब उनको लगता है, मैंने कहा ना कि कहीं से जैसे क्लास में देखा अच्छा वो बच्चा टॉप पर जा रहा है तो उनको लगे यार ये टॉप पर जा रहा है, वो लग गया वहीं पर। जो ब्रेक होने की बात हो रही ना, हार्ड ब्रेक के बनने का चरण है, ज्यादातर लोग इसको इसमें ले जाते हैं कि लड़की के साथ ब्रेकअप होगा तभी वो सफल हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दिल सिर्फ लड़की से नहीं टूटता, दिल का जुड़ाव और बहुत सारी चीजों से भी होता है, फील होना, भौतिक और अभौतिक दोनों चीजों का इम्पोर्टेंट है। अच्छा मेरे को एक और ये चीज, जैसे कि मैंने कई जगह देखा है लोग सर्जरी भी करा लेते हैं सक्सेस होने के लिए, क्योंकि आप जैसे अभी हम बात करते हैं फेस कट के लिए, तो कार्तिक आर्यन को अगर हम पहले देखे अभी तो कुछ ना कुछ तो उनके में भी चेंजेस हुआ होगा, जैसे जानवी तो कार्तिक आर्यन ने अभी तक तो सर्जरी नहीं कराई है, सर्जरी तो नहीं है उसका, उसका सर्जरी नहीं है, उसने खुद ही अपना सब कुछ मेहनत करके उसने किया। लाइक पहले बाल छोटे थे तो अभी बाल लंबे कर लिए अचानक, ये सर्जरी से लुक चेंज हुआ, लुक चेंज हुआ, लेकिन कई लोग सर्जरी भी करा लेते कि अच्छा लोग मतलब जो लिप्स वो कर रहा है, मतलब कुछ ऐसे मेल एक्टर्स भी हैं जिनको लगता है कि नहीं लोग पसंद नहीं कर रहे उनको तो वो अपना लुक चेंज कर लेते हैं, कुछ सर्जरीज वगैरह करा लेते हैं चाहे वो कैसे भी। इससे मतलब देखिए ज्यादातर जिन लोगों ने सर्जरी कराया हुआ है सब कुछ करवाया है वो ज्यादा समय तक सफल नहीं रह पाते क्योंकि ये बहुत महंगा इलाज होता है। तो मतलब जानवी कपूर सक्सेस नहीं रह सकती ज्यादा टाइम? जानवी कपूर ने कितना करवाया? बहुत थोड़ा करवाया, ज्यादा नहीं करवाया। और जानवी कपूर के पास पैसे कौन से कमी? हाँ, वो तो श्रीदेवी की बेटी है और बोनी कपूर की बेटी है, वो तो खानदानी है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आजकल जो ऑडियंस है वो ये भी डिमांड करती है कि जो हीरो हो वो थोड़ा ग्लैमरस ही नजर आए, इसीलिए तो लोग, नहीं तो या हीरो हीरोइन दोनों ग्लैमरस? कुछ नहीं, आयुष्मान खुराना वो भी ग्लैमरस तो नजर आता ही है। नहीं, 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 नहीं सर, स्मार्ट लगता है कितना, आप उसका लुक देख लो, उसका हेयर कट, वो लगता है लेकिन वो अपना एक अलग उसकी शैली, बाकी हीरो की तरह नहीं है वो, उसका फिल्मों का चुनाव देखिए आप। अच्छा जैसे विक्की कौशल है, विक्की कौशल का अगर आप देखो बाकी एक्टर्स के हिसाब से, चलो उसकी हाइट अच्छी है लोग उसको पसंद करते हैं, बट उसको चॉकलेटी बॉय क्यों बोलते हैं? स्मार्ट है, अरे स्मार्ट तो है लेकिन चॉकलेटी बॉय, देखिए वो एक थोड़ा सा वो एक अलग उसका हो जाता है इंडस्ट्री में, सब देखोगे तो ज्यादातर हीरो का फेस ऐसे है, उसका थोड़ा सा राउंड में हल्का सा, ठीक है। विक्की कौशल का अलग है, देखिए विक्की कौशल के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, जब हम नेक्स्ट उसमें बातचीत करेंगे तो विक्की कौशल बातचीत करेंगे, उसकी अपनी अलग एक जर्नी है कि क्यों सक्सेस हुआ है, अभी कैसे परिचर्चा में है, कैटरीना के साथ शादी कैसी चल रही है। अच्छा जैसे हम लोग ये बात कर रहे थे कि दिल टूटना जरूरी होता है, ये इनसे मतलब वही कि हमें एहसास होना चाहिए कि नहीं यार ये भी चीज हम कर सकते हैं, हमें फेलियर का एहसास होना चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि मान लो हमारा फेलियर नहीं आ रहा, तो हम नॉर्मल रास्ता चुन के, अगर कठिन रास्ता चुने या हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें तो ये क्या सही रहेगा? नहीं, ये तो गलत चीज। लाइफ में आप समस्या क्यों क्रिएट करोगे? ऐसा व्यक्ति कौन बताओ जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है? लेकिन आप देखो ना कितना कोशिश कर रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री नहीं है ना। बात ये नहीं कि वो असफल है या सफल है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन बात ये कि वो भी उनकी सरकार जो नहीं है ना, अभी मोदी जी की सरकार है। तो बात अगर मोदी जी से कंपेयर करोगे तो मोदी जी के सामने भी राहुल गांधी एक संघर्ष ही करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनके अगर खानदान को उठा के देखो तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो एक स्टेट ही पैदा कर सकते हैं उनके पास इतना सारा चीज है। अच्छा तो सर मतलब ऐसे की देखिए सफलता इन सब चीजों में मायने रखती है, कि आपने किन किन मानदंडों को चुना है। अगर आपके चुनने में कोई गलती कर दिया तो आप सफल नहीं हो सकते, इसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। यस। तो आप मेरे को ये बताओ फिर कि क्या
क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कि इसमें केयरफुल रहे और ये चीज जो है नहीं होनी। देखिए हर क्षेत्र के लिए अलग अलग चीजें माने रखती है। एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए एक्टिंग के लिए अगर किसी को सफल होना है तो सबसे पहले उसको शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। शब्दों का ज्ञान का मतलब होता है कि उसे उपन्यास और फोक टेल और कहानियां ये जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्राओं में पढ़ ले। उसके पीछे रीजन, पहले रीजन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि गूगल में आपने पूरा सब कुछ जो भी सर्च करते हो आ जाता है, तो वैसे जब अपने आपने शरीर के अंदर सारी चीजें वर्ड को डाल देते हो, जैसे कोई वर्ड स्क्रीन पर सुनो खट से आपका इमोशन से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर वर्ड कोई शब्द उसको पहली बार आप सुन रहे हो तो उसको आप बोलने में ही दिक्कत आएगी, आपके इमोशंस आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको गाली देना हुआ, गाली आपकी डेली लाइफ की भाषा बन चुकी है, आम जीवन जीवन की भाषा बन चुकी है, आपके इमोशन उसमें लाने की सोचने की जरूरत ही नहीं, खट से इमोशन आ जाएगा जो इमोशन में गाली देना है आपको। मतलब एक तरीके से अच्छी इमेजिनेशन भी होनी चाहिए अगर अपनी आस पढ़ रहे हो, इमेजिनेशन अच्छी हो। यस, इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन थोड़ा ये दोनों अलग टॉपिक हो जाता है। बात हो रही है कि ये एक और एक मतलब कितना ज्यादा आपको आपके अंदर वर्ड है, शब्द है, शब्द बहुत ज्यादा होना चाहिए एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। मतलब जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक फैन ने शाहरुख खान से पूछा कि मेरे घर वाले तो सब आमिर खान के मतलब फैन है, लेकिन मैं आपका फैन हूँ, आप बताइए कि मैं कैसे घर वालों को समझाऊं कि आपके फैन हो जाए। तो शाहरुख खान ने कहा कि नहीं, आमिर खान तो बेटर है, मतलब बेटर अभिनेता है। अब सोचिए शाहरुख खान भी मानते हैं कि मुझसे बेटर आमिर खान अभिनेता, क्यों? क्योंकि आमिर खान रोज पढ़ता है, फिल्में उसकी अभी एक दो फ्लॉप हुई है। एक दो फ्लॉप होने का मतलब नहीं कि आमिर खान के अभिनय के ऊपर आप शक करना चालू कर दीजिए। उसका अपना जो टैलेंट है उनको आप देखो किताबें पढ़ते रहते हैं, जितने भी अच्छे अभिनेता हुए हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। आप जाइए डायरेक्टर बात कर लीजिए कि जितने भी डायरेक्टर हैं, एस एस राजामौली अच्छे डायरेक्टर हैं, उनको देखिए वो भी हमेशा पढ़ते रहते हैं। फिर आपको अभी अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड में अभी तक अभी तो सबसे अच्छा जो मतलब डायरेक्टर है वो जो मतलब ये डंकी कर रहे हैं राजकुमार हिरानी साहब हैं, उनकी जो भी फिल्में उठाकर देख लीजिए। देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि सफल होने के लिए क्या क्या पैमाने होते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने तुलसीदास जी का नाम सुना है? रामचरितमानस। उन्होंने बेसिकली तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि एक बार उनकी पत्नी जो है मायके चली गई, तो उस समय नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई थी, तो एक लाश को नाव समझ कर उस पर चढ़ करके अपने पति से मिलने के लिए पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जितना तुम इस हाड़ मांस के शरीर से प्यार करते हो, इतना अगर तुम भक्ति में लीन हो जाते तो तुम्हें श्री राम मिल जाते। बस ये हुआ। उन्होंने फिर क्या वाल्मीकि की रामायण पढ़ी और अलग फिर से उन्होंने दूसरी मतलब रामचरितमानस लिख दिया, जो आज हर कोई तुलसीदास जी को जानता है। यही सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, कालिदास का भी महान बनने में यही एक उदाहरण नहीं है, मतलब कालिदास जी जो भी महान जो बने था उसके पीछे एक रीजन है। उनकी जो पत्नी थी विद्योत्मा, वो उस समय की बहुत पढ़ी लिखी ज्ञानी स्त्री हुआ करती थी। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में इतनी ज्ञानी महिला अभी तक नहीं हुई। तो जैसे उसको पता चला कि एक मूर्ख से इनकी शादी हो गई। पर इसे कार्तिकारन, उसका कार्तिकारन के पीछे रीजन मैं बता रहा हूं ना, कि उन्होंने एक सिंपल सा छोटा सा वो जो स्प्रे करते क्या बोलते हैं, हाँ, उसका जो ऑडिशन हो रहा था तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया था। आज सोचो वो सारी कंपनियां उनके पीछे घूम रही। तो ये उनके लिए हार्ट ब्रेक था, ये बहुत बड़ी बात थी। मैंने तो सुना लड़कियां दिल तोड़ दिया, एक परफ्यूम ने दिल तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर ये है कि लड़की के द्वारा अगर कोई जब दुखी होता है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, और उसको जब वो अपने दिल में बैठा लेता है तो चाहे वो तुलसीदास हो या कालिदास हो, कालिदास को भी वही हुआ था, तो बड़ा मूर्ख है,
तो उन्होंने जाके इतनी बड़ी रचनाएं रच दी, उन्होंने जाके अपनी जीभ को जो है काली को चढ़ा दिया, काली माँ की पूजा करने लगे। फिर देखो उन्होंने क्या नहीं लिख दिया, महाकाव्य पर महाकाव्य लिख दिया। फिर आप सूरदास को आप जानते, सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं थे, उनको भी एक लड़की से प्रेम था। एक दिन वो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गए, उसकी माँ खाना थाली में लेकर पहुंची, बोली आपके लिए क्या कर सकते। बोले क्या है, उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मतलब कि यहाँ पे आकर के मुझे वो चीज नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो उन्होंने सुई से अपनी आंखें फोड़ ली, ठीक है। उन्होंने बोला कि अब कृष्ण की भक्ति में इतना लीन हो जाऊंगा मुझे आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पागल बन सवार चाहिए ना। देखिए सफलता के लिए मुझे भी मैं तो सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि इतने दिल टूटे और कैसे बने। और ऐसे ही देखो राजा विक्रमादित्य का नाम तो आप जानते ही होंगे सब। तो जरूरी थोड़ी ना है कि अपने आप को दुख देना। हाँ, मतलब ये तो आप फोड़ लो जीभ काट लो नहीं तो पर वो दुख देना नहीं। ये देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को दुख नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है उनको सक्सेस मिली तो क्या ये चीज उन्होंने सही करी? अगर देखा जाए तो अपनी आंख फोड़ लेना या अपनी जीभ काट लेना, यही मेरा क्वेश्चन था कि एक पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव तो आ ही जाता है ना कहीं कहीं पर। मतलब अब मुझे अब कुछ सक्सेसफुल बनना है तो जरूरी थोड़ा ना बिल्डिंग से। देखिए वो जीभ काटना एक उदाहरण है, उसको आप दूसरे तरीके में लेंगे। मतलब एक उन्होंने अपने आप को इतना दर्द दिया कि जितना वो जीभ के काटने से दर्द, इसका एक एग्जांपल, मेहनत करने के दौरान उन्हें उतना कष्ट सहना पड़ा। देखिए क्योंकि कालिदास को किसी ने देखा नहीं, वो भी एक मिथ ही है, लेकिन उसको जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसका मतलब सिर्फ यही है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उनको मेहनत करने के दौरान उतना दर्द और कष्ट सहना हुआ जितना किसी ने जीभ काटना हो। मेटाफर है, मतलब एक प्रकार से वो मेटाफर ही है। जैसे कि कार्तिक आर्यन को ये लेते हैं, अभी जैसे रौनव ने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में चलते हैं, तो ऐसा तो कार्तिक के साथ भी हुआ है। कार्तिक इतना सक्सेस हो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन से भी, उसका धर्मा प्रोडक्शन काफी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एंटरटेनमेंट, तो उन्होंने भी तो बैन कर दिया एक तरीके से, वो कहीं ना कहीं उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी तो आया। इसीलिए तो उसने ये जो शहजादा फिल्म देखा है उसमें उसने कमेंट मारा है कि क्या यहाँ पर भी वो है, क्या क्या बोलते हैं उसको, नेपोटिज्म। मैं मतलब उसने बोला है उसको। देखिए बेसिकली क्या हुआ, देख कार्तिक आर्यन को आपको समझना बहुत जरूरी है। कार्तिक आर्यन अपने घर से झूठ बोल करके यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, ठीक। और संघर्ष करने के दौरान में वो 12 लोगों के साथ एक रूम में रहता था, उनके लिए खाना बनाता था, उनके लिए खाना बनाता था। और ट्रेन में वो जब यात्रा करता था तो वो टिकट नहीं लेता था, विदाउट टिकट यात्रा करता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि घर वालों को उसने बताया नहीं था कि मैं मुझे एक्टर बनना है। घर वालों को बोला था मैं तो इंजीनियर बनना है। अच्छा चल आप बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं बताइए। नहीं मेरा ये था कि यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आया था वो, ठीक है। चलो घर से झूठ बोल के आया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आया, घर वालों को तो पता ही होगा कि यहाँ पे आया। वो मुंबई में आना इसलिए चाहता था, वो मुंबई आना ही चाहता था एक्टर बनने के लिए। कॉलेज वो उसने मुंबई का ही चूज किया, मुंबई कॉलेज चूज किया, ठीक है। अब उनकी फैमिली ने उसे मुंबई भेजा, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लिया। तो जहाँ तक मैंने देखा है उनकी फैमिली में मतलब अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर वगैरह सब है, तो इतना पैसा तो देते ही होंगे कि एक टिकट। हाँ, तो उन्होंने बोला ना वो कॉलेज के एडमिशन के थ्रू। देखिए बेसिकली क्या है, अगर कार्तिक आर्यन को आप गौर से देखें तो जिस प्रकार से वो दिखता है चंपू टाइप से पहले, ठीक है, और जिस प्रकार से अभी दिख रहा है वो उसने अपने ऊपर पैसे तो खर्च किए। चंपू वाली बात नहीं है, बात है कि जैसे भी दिख रहा है उसने अपने बॉडी पर पैसे खर्च किए और उस तरह की बॉडी और उस तरह की काया बनाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बिल्कुल। टाइगर साहब को देख लीजिए, टाइगर साहब की शुरुआती फिल्मों में देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए। पर प्यार के पंचनामा में उनकी बॉडी थोड़ी ना थी सर, उसमें तो वो बिल्कुल ही एकदम स्लिम ट्रिम था, नो मसल्स कुछ भी। अब मसल्स आई है कार्तिक आर्यन नहीं, प्यार के पंचनामा में भी उनको पसंद कर लिया गया था, लीन बॉडी थी, पसंद कर लिया गया था। वो जो यूथ की बॉडी थी उसका भी था, बॉडी उसका पूरा तभी वो आगे उसी। एक चीज और है, कार्तिक आर्यन जब हंसते है ना तो उसके रैबिट टीथ दिखते है, ये भी अभी बहुत चर्चे में है कि जब वो हंसते है तो उनके ना हे हे करके। मैंने तो आज तक देखा नहीं लड़की हो ज्यादा नहीं, ये चीज भी उन लोगों को बहुत पसंद आती है कि
कि मतलब एक होता है ना कि पॉकेट मनी देते होंगे या कुछ भी, एक महीने का खर्चा तो देते ही होंगे ना सर। अरे तो वही तो बात है ना कि घर अलग चुन लिया ना वो, अब घर अलग चुन लिया तो कॉलेज के अलग एक खर्चा है, ठीक है भाई। और एक्टिंग बनने के लिए आपको अलग चीज है ना, तो आपको अपने खर्चे में कटौती करने पड़ा ना, आप उतने ही पैसे में दो काम करना शुरू कर दिए तो आपको तो तंगी जीवन जीना ही पड़ेगा आपको बेसिकली। देखिए देखिए कोई भी काम करने में आपको कुछ जमा पूंजी तो लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिना जमा पूंजी के कुछ कर जाए, ठीक है। देखिए आपको जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं तो एक बढ़िया शोरूम लेना पड़ेगा, तो बढ़िया शोरूम में नहीं रहा। देखिए बेसिकली क्या, आप देखोगे कि जितने लोगों ने, मैं सिर्फ राजेश खन्ना को जानता हूं, एक ही उदाहरण है जिसके पास सब कुछ था और इतना बड़ा सुपरस्टार था, बाकी और उदाहरण मेरे पास उतने नहीं। बट कार्तिक सब कुछ था उनके पास, सुपरस्टार बने, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा होगा किसी चीज से या नहीं? दिल तो उनका भी टूटा था, हर किसी की लाइफ में। देखिए हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, अगर वो उस ट्रेजेडी को याद रखता है और उसके उसको एक मोटिव दे देता है, उसको कहते नहीं कि एक डायरेक्शन दे देता है, तो वो सफल हो जाता है। और जो डायरेक्शन नहीं दे पाता है वो वहीं पर रह जाता है और उसी के आसपास घूमते घूमते अपना जीवन खत्म कर लेता है। तो यानी कि जो एक हार्ट ब्रेक का ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक सिर्फ लड़की के थ्रू टूटना नहीं है, लड़का जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, सब पर लागू होता है। ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ लड़की के थ्रू सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि प्यार में दिल टूटे। हाँ कोई ट्रेजेडी, अब जैसे आप मीराबाई को देख लीजिए, मीराबाई का वो तो लड़की थी, बोलते कृष्ण से मिलने आते थे, तो इसमें भी स्ट्रगल है, स्ट्रगल भक्ति में है। अच्छा। और जहां डिवोशन होता वहीं आपको सफलता मिलती है। और भक्ति का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति, भक्ति किसी चीज के प्रति हो सकती है, इस गिलास के प्रति अगर आपकी भक्ति है ना तो ये अमृत बन जाएगा। ये गिलास में आप सोचो बस ये अमृत है, ये अमृत अपने आप बनेगा। तो वो तो आपका एक तरीके से थॉट प्रोसेस हो गया ना कि आपने वैसा सोचा है, तो उतना सोचा तो उसको करने भी तो पड़ेगा, अगली लाइन तो आपने सुना ही नहीं, आपको करना पड़ेगा। आपने जो चीज सोचा, जो आपका थॉट है, उसको अमल में कैसे लाओगे, प्रैक्टिकल में कैसे लाओगे, सिर्फ व्यवहारिक स्तर पर नहीं सारी चीजें होती है ना। देखिए एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। थ्योरी में आपने पूरी रामायण तो लिख दी, लेकिन अब उस रामायण को मंचन करना है तो कितने संसाधन लगेंगे, उसको मेहनत तो करोगे ना, नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, वो कोरी कल्पना होगी। देखिए हमेशा कहानियां आपको प्रेरणा क्यों देती है? क्योंकि वो प्रेरणा इसलिए देती है क्योंकि वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ देती है हमें, हमारे जीवन से। और देखो कार्तिक आर्यन की इसलिए बात हो रही, वो एक आम इंसान था, वो किसी सुपर स्टार का बेटा नहीं था और ना ही इंडस्ट्री से कोई उसका रिश्ता था, इसलिए मैं कार्तिक आर्यन की बात कर रहा हूँ कि वो कैसे एक आम इंसान से शहजादा बन गया। और इसलिए चारों तरफ चर्चा, देखिए आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, जहां पर जा रहा है इतनी ऑडियंस आ रही, यहां तक कि कहा जा रहा है कि पठान का जो रथ है उसको थामेगा ये लवकुश बन करके शहजादा। जैसे कि रामायण में जब राम ने अपना जो घोड़ा छोड़ा था तो उसको लवकुश ने रोका था, इसी प्रकार से बॉलीवुड में जो पठान यानी कि शाहरुख खान यानी कि हमारे बादशाह यानी कि किंग साहब ने जो अपना बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बटोरते चले जा रहे हैं, जो कि फिल्म मतलब 1,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, उसको लगाम लगाएंगे हमारे कार्तिक आर्यन साहब, यानी कि शहजादा। तो कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी सर वनडे, क्या लगता है आपको? 20 से 25 करोड़। हम नहीं है, देखिए कार्तिक आर्यन अभी एक न्यू कमर है, कम नहीं न्यू कमर कैसे सर, बहुत सारी मतलब अभी अगर देखा जाए हाल ही में उनकी सारी पिछली फिल्में नहीं, अच्छी न्यू कमर टाइप, न्यू कमर टाइप क्या बोलूं, मतलब न्यू कमर ही रहेंगी क्योंकि एक मतलब मूवीज के काउंट सीनियर नहीं है, उतने सीनियर एक्टर्स के काउंट ज्यादा नहीं है ना, 10-12 मूवीज। देखिए जैसे कुछ लोग जो कंपेयर करते हैं, मैं इस चीज के थोड़ा खिलाफ, कुछ लोग शाहरुख खान को जो मतलब कंपैरिजन है वो अमिताभ बच्चन से कर देते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता, कहा अमिताभ बच्चन कहा शाहरुख खान, फिर दिलीप कुमार से करने शुरू कर देते हैं, फिर राज कपूर साहब से शुरू करना चाहिए। अरे भाई अपना हर कोई अपने इलाका एक बात सा रहा है, आप क्यों तुलना कर रहे हो? शाहरुख खान शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन से तुलना करना तो मुझे भाई कहीं से भी लाजमी नहीं, सीनियर एक्टर है। हाँ उससे आप प्रेरणा लीजिए, तुलना मत करिए। वैसे जो है शाहरुख खान की तुलना लोग कार्तिक आर्यन से कर रहे हैं,
एकदम समझ में नहीं आ रहा। हाँ उनको इतना टाइम हो गया। हाँ कहाँ शाहरुख खान, कहाँ कार्तिक आर्यन। हाँ हो सकता है कि एक समय कार्तिक आर्यन शाहरुख खान से भी आगे निकल जाए, लेकिन तुलना अगर करनी कार्तिक आर्यन तो राजकुमार राव से करिए, अभी जो न्यू कमर है उनसे करिए, टाइगर से करिए, टाइगर श्रॉफ हो गया, वरुण धवन हो गया, इन सब से करिए, रॉय कपूर हो गया उनके साथ के। हाँ वही होता ना, ये कहावत है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ऐसी तुलना है मुझे एकदम मतलब करते लगे थेथोलॉजी लगती है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्यों बोल रहे भाई, कुछ भी बोलोगे उसका भी तो मीनिंग होता है, कुछ भी का तो भी मीनिंग होता है। बट वन डे मतलब 25 से 30 करोड़ लेकर जाएगी ये शहजादा। हाँ 20 से 30 के बीच में रहेगा इसका कलेक्शन। मैं तो जाऊंगी परसों देखने। तो जैसे इनकी पिछली वैभव क्या कहते हैं भूल भुलैया 2 थी, क्या लगता है कि देखो भूल भुलैया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी थी, उससे ज्यादा एंटरटेनिंग उनका कैरेक्टर होगा? हाँ शहजादा में डेफिनेटली होगा। इस सॉन्ग के ट्रेलर से मेरे को थोड़ा सिमिलर सा ही वो लग रहा था, जो सेट था पीछे का, वो जो भूल भुलैया का टाइटल सॉन्ग था और जो कैरेक्टर ढीला थोड़ा वैसा ही था, सेम सेम है तो। बट स्टोरी लाइन अच्छी है तो स्टोरी से आई गेस ज्यादा एंटरटेन करेंगे वो। हां देखिए इस फिल्म का कांसेप्ट अच्छा है, कांसेप्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है इसमें, डायरेक्शन भी मतलब कि डेविड धवन के बेटे का है, रोहित धवन का है, तो डायरेक्शन भी ठीक ठाक ही होगा क्योंकि उनकी दो पिछली फिल्में थी उन्होंने अच्छा ही किया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म अच्छी होने वाली है और आपको पूरा एंटरटेन भी करेगी, नो डाउट। अब थोड़ा सा मुझे दिक्कत थोड़ा तो है तो उसमें जो लड़की है कृति सैनन, हाँ उसे थोड़ा सा मैं सहमा सा हूँ, उसे भी लड़की उसमें डर जाता हूँ जब भी देखता हूँ। पर कृति सैनन तो अच्छी एक्ट्रेस है और वो अच्छा पहले काम कर चुकी है उनके साथ, तो वैसे केमिस्ट्री हाँ तो, लुका छुपी देख लो आप, उसमें भी उन्होंने की केमिस्ट्री अच्छी थी, जल्दी अच्छी है लेकिन इसमें एक चैलेंज भी है ना उसके, पूजा हेगड़े के, पूजा हेगड़े जो साउथ की फिल्म थी वो उससे करवाया गया था, अब इसमें रोहित धवन कितना उससे करवा पाते हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, उससे अच्छा कर दे पूजा हेगड़े से अच्छा कर दे। देखिए जब तक फिल्म सफल नहीं, मतलब जब तक फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं होती है उसके बारे में कुछ बोलना मतलब एक प्रकार से कल्पना ही, पर कर लेगी कृति सैनन अच्छी है, चलो ओके कृति कर लेना भाई, कर लेगी लड़की में दम है। लेकिन कृति सैनन जो है वो सफल कैसे हुई, कृति सैनन सफल कैसे हुई, अगर मैंने इसका जवाब आपको नहीं देना है, इसका जवाब जो देगा उसको इस मूवी का टिकट फ्री। एक आम आदमी शहजादा कैसे बन सकता है और इस आर्थिक मंदी के दौर में आप अपने आप को कैसे सफल बनाएंगे? लेकिन करोड़पति बनने के लिए लंबा समय भी तो तय करना पड़ेगा। आज के टाइम में शहजादा मतलब थोड़ा मुश्किल नहीं है? नहीं हो सकता है, देखो रानी को देख लो, रानी रानी उस ऊपर वहां गया भी ना, वहां पहुंचा भी तो वो मेंटेन नहीं कर पाया, वो जो भी था वो एक अलग चीज है, लेकिन उस लेवल तक तो गया ना, बना हो सकता है कि वो अडानी का एक हथकंडा हो जो आप लोगों के सामने ना रहा। मैं थोड़ा सा ऊपर भी आया, मैंने तो सुना है कि मतलब अडानी को बनाने का उसके पीछे का एक है, शहजादा को डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम, मतलब शहजादा मतलब राजकुमार, जैसे कि पहले राजा हुआ करते थे और राजा का जो बेटा होता था उसे राजकुमार से पहले नवाजा जाता था कि ये है राजकुमार, मतलब कि जो इस साम्राज्य की जो सब कुछ है किसके हाथों में सौंपी जाएगी वो राजकुमार होता था। तो बात यहां पर यही हो रही है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का अगला राजकुमार कौन होगा, राजकुमार या राजकुमार राव या फिर कार्तिक आर्यन या फिर शाहरुख खान भी तो सर शहजादा ही जैसे है ना। देखो शाहरुख खान तो किंग है, किंग है, किंग है शाहरुख खान और सुल्तान है सलमान खान। देखिए जैसा कि भी पठान ताबड़तोड़ पैसे कमा रही है, कमाते चली जा रही, उसको देखते हुए जो कार्तिक आर्यन की फिल्म आने वाली है शहजादा, जो मतलब कि अभी रिलीज होने वाली थी हाल फिलहाल में, अब उसकी डेट 17 फरवरी कर दी गई है। तो यहां पर भी हम लोग ये जानेंगे मतलब कि जो कार्तिक आर्यन है वो भी एक आम परिवार से आते हैं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि मिडिल क्लास से आते हैं, क्योंकि उनकी माँ भी डॉक्टर है, उनके पिताजी भी डॉक्टर हैं, उनकी बहन भी डॉक्टर है,
उनकी माँ स्त्री रोग विशेषज्ञ है, उनके पिताजी बाल रोग विशेषज्ञ है। और यहां पर बात हम कार्तिक आर्यन की सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति का भी कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था। तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से मेहनत करी, स्ट्रगल किया, तभी तो वो आज शहजादा कहला रहे हैं। यस। तो मत तो आम इंसान कैसे फिर शहजादा बनेगा अगर हमें अगर हम वो भी तो एक आम इंसान है ना। देखिए जब आपका किसी चीज से कोई कनेक्शन ही नहीं, जैसा कि हर किसी को पता है कि बॉलीवुड में घुसने के लिए आपको कोई ना कोई कनेक्शन चाहिए, कोई ना कोई आपका गॉडफादर चाहिए, कहीं ना कहीं कोई आपको एक लिंक चाहिए। लेकिन कार्तिक आर्यन का नहीं था। जब वो थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहे थे तभी उनको मतलब लग रहा था कि मैं एक्टर बनूंगा, भूत सवार था। फिर उन्होंने मुंबई में ही एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी। फिर उन्होंने ट्रेनिंग के बाद फिर सोचा कि क्या करें क्या करें, फिर उन्होंने मॉडलिंग शुरू किया। और थर्ड ईयर में उनको प्यार का पंचनामा एक फिल्म ऑफर हुई थी लव रंजन की। और देखो उस फिल्म मिलने के पीछे बहुत एक कहानी भी है कि वो फेसबुक पर बैठ करके इधर उधर सारी चीजें देख रहे थे, काम कैसे मिलेगा क्या मिलेगा। उन्होंने देखा कि लव रंजन का एक पोस्ट आया हुआ है, भाई उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट है, तो जाकर लव रंजन से मिले। फिर लव रंजन उनसे बोला देखो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसको आप पूरा करते हो तो आप आइए। और लेकिन ऐसा नहीं कि उनको एकाएक वो मिल गई फिल्म, उससे पहले उन्होंने मुंबई में 2 साल तक हर जगह जाकर ऑडिशंस दिए, लोगों से मिले, स्ट्रगल किया। लेकिन यहां भी समझना कि स्ट्रगल होता क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपने जीवन में कठिनाइयां पैदा कर लो, एक मिथ है कि देखिए मैं मुंबई में रहता था, मेरे पास सोने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं रेलवे स्टेशन में सो जाता था, पार्क में सो जाता था। मतलब ऐसे ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो कि फिजूल। अब आप बताइए कि अगर आपका कोई दोस्त है उसको जरूरत है, आज आपके पास बोलेगा रोहित मैं तुम्हारे यहाँ सोने के लिए आ रहा हूँ, तो क्या तुम उसे मना कर दोगे? नहीं, एक दो दिन तो रख ही लोगे। तो ऐसी जो कहानियां लोग कहते हैं कि यार मैं रेलवे स्टेशन में सोया, मैं सब्जी वाले से बोला कि यार मुझे एक जगह दे दो इस रात भर सोने के लिए, ये मुझे लगता है कि मनगढ़ंत कहानियां। मतलब कहीं ना कहीं हर किसी हर इंसान अपने आप में इतना केपेबल तो होता है कि वो 10-15 हजार की जॉब कर सके। यस, चाहे कोई भी इंसान मजदूरी तो कर सकता है, कुछ भी कर, मतलब चाहे एजुकेटेड ना हो तो फिर भी 10-15 हजार की जॉब कर सकता है। अगर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वो साइड बाय साइड कोई काम कर रहा है तो ये तो स्ट्रगल नहीं कहा जाएगा ना। देखिए स्ट्रगल उसको कहते हैं जब आप किसी एक काम को सुनिश्चित करते हो कि आपको पूरा करना है, उसके दौरान जो भी चुनौतियां आती हैं उनका जब आप सामना करते हो और उनको कैसे आप सॉल्व करते हो अपने जीवन में, उसको स्ट्रगल कहा जाता है। अब आप तो बनने आए हो एक्टर या आप बनने आए हो हीरोइन, अब आप आकर के हम पब जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लोगों के बीच धमा चौकड़ी मचा के रखा हुआ है, ना कहीं ऑडिशंस देने जा रहे हो, ना आप किसी से मिल रहे हो, ना मीटिंग कर रहे हो। देखिए बेसिकली क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, लोग आपको कैसे जानेंगे। जैसे कि हीरा होता है जब वो पृथ्वी के गर्भ में होता है तो वही मिट्टी ही होता है, जब वो बाहर निकाला जाता है, फिर उसको जौहरी तराशता है, फिर उसमें डिजाइन तैयार करता है, तब जाके उसकी बाजार में कीमत होती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको एक बड़ा आदमी बनना है, अमीर बनना है, तो अपने आप को खुद तराशना पड़ेगा। देखिए हीरे को जौहरी तराशता है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा। तो ये तो जैसे आपने अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, बट अभी हम आम लोगों की भी बात करें कि एक आम लोग में कैसे शहजादा बना सकते हैं। अब मुझे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे नंबर वन पब्लिसिस्ट बनना है तो मैं कैसे बनूंगी? मतलब मैंने स्टार्टिंग तो कर दिया लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, पांचवा चरण। देखिए अमीर बनने करीब 10 स्टेप से ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले सुनिश्चित करो कि आपको करना क्या है, और जब आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, फिर पता करो कि इस काम को करने में कितनी बड़ी चुनौतियां आएंगी। जैसे ही कार्तिक आर्यन ने की, जैसे उन्होंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, उनके घर में कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड से आता ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे तो एक्टर बनना ही है। तो उन्होंने एक्टर बनने की दिशा में संघर्ष किया, ना कि बाकी चीजों, बाकी उनके पास बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने इंजीनियरिंग किया था माँ के कहने पर। मेन चीज तो मेरा ये मानना है कि आपका जो ड्रीम है, ठीक है, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब का हो चाहे किसी भी फील्ड में हो आपका, उसको पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एक ड्रीम अलग चीज हो जाता है, अगर आपको सिर्फ एक जॉब करनी है तो वो अलग चीज है। ड्रीम पूरा करने के लिए तो आपको मेहनत करनी ही, क्योंकि ड्रीम एक अलग चीज हो जाती है।
वो डेडिकेशन चाहिए आपके। ड्रीम एक अलग ही चीज हो गई आपको, अगर ये मेन सिंपल ये है कि ठीक है यार मुझे जॉब करनी है, एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, शादी करना है, ये सब करना है, तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए तो एक जॉब कर लेगा 20-25 हजार की या 30 हजार की कुछ भी होगी, तो उसमें इंसान जी सकता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक सपना लेके चलते हैं कि यार मुझे ये जॉब करनी है, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम निकालना है, कुछ भी है, एक्टर बनना है, डजंट मैटर, जो भी हो, हर किसी का अपना अपना एक ड्रीम होता है, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो वो कर ही रहे ना, लेकिन वो उसके पास फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना उस लेवल तक, वो धीरे धीरे जॉब करके भी तो कर सकते हैं ना ड्रीम। देखिए अगर बड़ा बनना है तो सबसे पहले यही बात जो आपने बोला कि फाइनेंशियली, लेकिन फाइनेंशियली का मतलब नहीं कि आप कर्जा लेकर के काम करना शुरू करो, आप छोटे से शुरुआत करो, फिर वहां से आपको उसी छोटे से जो आपके पास एक जो कैपिटल है, छोटी सी जो कैपिटल है, उसी कैपिटल को आप यूटिलाइज्ड कैसे करते हो वो बहुत माने रखता है। अगर आपके पास माना कि आपके पास 10,000 रुपए हैं, कहीं से आपने इकट्ठा कर लिया, उस 10,000 रुपए से भी आप बड़े आदमी बन सकते हो। उसका उदाहरण है जैसे कि टाटा। टाटा पहले नमक बेचा करते थे, बोरी बिछा करके बाजार में नमक ले बेचते थे, और तब नमक कितने, एक आना दो आना में ढेर मिलता था, 5 शेर मिलता था, समझ रहे हो? सोचो आज टाटा कितना बड़ा है, कोई कंपनी है। जब आपके सामने एक उदाहरण मौजूद है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए मैं कार्तिक आर्यन क्यों बात कर रहा हूं, इससे पहले हम लोग शाहरुख खान की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम आज कार्तिक आर्यन को एक उदाहरण के रूप में क्यों पेश करने जा रहे हैं। आज की तारीख में वाकई वो इस फिल्म इंडस्ट्री का शहजादा बन चुका है, जैसे कि हमने उसकी पिछली फिल्म आपने देखी होगी भूल भुलैया 2, ठीक है, वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल रही, ठीक है, माना कि अनीश बाजमी का उसमें डायरेक्शन था, लेकिन कार्तिक आर्यन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आज की तारीख में वरुण धवन जैसे एक्टर के होते हुए आखिर क्यों रोहित धवन ने कार्तिक आर्यन को चुना सहजादा के लिए, उसके पीछे एक रीजन, क्योंकि जो डेविड धवन का बेटा वरुण धवन है, वरुण धवन उस संघर्ष से नहीं है। देखिए जो कहानी शहजादा की है उसमें भी एक संघर्ष ही दिखाया गया है। पर आपका ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, मैं इस पर जानना चाहता हूँ कि डेविड धवन ने, ये अभी आपने जो बोला इससे मेरे को क्लिक हुआ कि वरुण धवन को क्यों नहीं चूज करा, एक्टर नहीं। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, टाइम नहीं होगा ना, नो डियर, टाइम को मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट महान होता है। उस फिल्म की जो कहानी है, उस कहानी में ही ऐसा था कि जैसे कि आप जानते हो शहजादा किसका रिमेक है, तो उसकी रिमेक है, उसमें हीरो कौन था, अल्लू अर्जुन को सभी जानते हैं, और उसमें अल्लू अर्जुन की माँ का रोल किया था तब्बू ने, ठीक है। अब इसमें जो है शहजादा में उसकी माँ का रोल कर रही मनीषा कोइराला। अब देखिए मैं आपको पहले जो साउथ की जो फिल्म है उसकी स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी ऐसी होती है कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मतलब दो बच्चों का जन्म होता है, जुड़वा नहीं, दोनों की माँ अलग होती, लेकिन दोनों के बीच कनेक्शन है, क्योंकि जो बच्चे दोनों होते हैं दोनों ने कभी एक समय एक साथ बिजनेस किया था, पापा ने और उसमें एक का नाम होता है बाल्मीकि, ठीक है। तो बाल्मीकि जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अभी बाल्मीकि का रोल जो है, जो कार्तिक आर्यन की फिल्म आ रही है इसमें परेश रावल जी कर रहे हैं, ठीक है, जबकि आप लोग जानते हैं कि परेश रावल इंडस्ट्री में एक्टिंग के मामले में तो बाप ही माना जाता है, हर प्रकार का रोल करता है। तो जो दोनों बच्चों का जन्म होता है, तो ये जो अमीर घर में जो बच्चा पैदा हो रहा था होता है वो उस समय मरा पैदा होता है, कुछ समय के लिए मतलब सांसें नहीं होती है। तो वो जो नर्स होती है वो देख के घबरा जाती है कि अब हम कैसे बताएं भाई मरा बच्चा पैदा हुआ है। तभी ये जो बाल्मीकि है वो बोलता है एक काम करो मेरा बच्चा दे दो, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो नर्स बेचारी डर रही होती कि वो अपना बच्चा क्यों दे रहे हैं, हाँ अपना बच्चा क्यों दे रहे हैं, लेकिन इसके मन में तो एक खुरापात चल ही रहा था कि मेरे पास तो कुछ है नहीं बच्चे को पालने के लिए, बड़ा करने के लिए, कुछ करने के लिए। ये बच्चा एक्सचेंज कर लेता है, फिर वहां से बच्चे को ला रहा होता है, उसी समय वो बच्चे को बिजली गरजती है और बिजली की जो गर्जन होती है उससे बच्चे को होश आ जाता है, ठीक है। अब बच्चा क्वाओ क्वाओ कैसे रोता है, तो वो रोना शुरू कर देता है। अब नर्स बोलती नहीं, ये बच्चा जिंदा हो गया, आप
अब एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन जो वाल्मीकि था वो बोलता नहीं, अब एक्सचेंज हो चुका है तो एक्सचेंज ही रहेगा। और वो ऐसे कुछ करते करते धक्का लग जाता है और वो नर्स नीचे गिर जाती है। फिर वो पता करता है तो उसको पता चलता है कि नर्स कोमे में चली गई। अब देखिए एक बच्चा जो पूरे घर से संपन्न है ठीक है वो जाके गरीब घर में पढ़ रहा है, एक बच्चा जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है उस परिवार में पैदा हुआ है वो एक जाके अमीर घर में पैदा हो रहा है। तो ये जो कनेक्शन स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट स्टोरी कहानी सुनाने से पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता दें कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये महाभारत से लिया गया है। अब आप सोच रहे हो कि महाभारत से कैसे ले लिया, देखिए महाभारत भी अभी एक परिवार की कहानी है ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि कर्ण अर्जुन का नहीं, ये कौरव और पांडव का कॉन्सेप्ट है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब कौरव का जन्म होता है तो गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं कि गुरु को बुलाया जाए, अब इनका शिक्षा दीक्षा दी जाए। तो गुरु ढूंढना शुरू किया जाता है तो बहुत गुरु मिल नहीं रहे होते हैं, लेकिन एकाएक उनको द्रोणाचार्य मिल जाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मेरी शर्तें हैं ठीक है समझे, मेरी शर्तें हैं कि मैं इनको कैसे सिखाऊंगा। तो गंगा पुत्र भीष्म बोलता नहीं देखिए ये जो हमारी राजधानी है इसी राजधानी में ही मैं आपका गुरुकुल बना देता हूं सिखाओ। बोले नहीं नहीं मुझे सिखाने के लिए यहां से दूर एक जगह मैं तलाशूंगा फिर वहां मैं सिखाऊंगा। तो जो आज की तारीख में आप जो बोलते हैं गुड़गावा या गुरुग्राम, तो वहीं पर उन्होंने अपना एक कुटिया बनाया और वहीं पर सब सिखाना चालू किया। तो उसके बाद सबकी जो शिक्षा पूरी हो जाती है तो क्या होता है कि ये सब सारे जितने बच्चे थे ये जाके वहां पर पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसो आराम में दुर्योधन दुशासन ये सबको सारी सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये सब संस्कार विहीन माने गए। और वही जो कौरव और के चाचा के बेटे थे पांडु के पुत्र, ये पांचों भाई ये जंगल में पलते हैं मंदोदरी और कुंती के साथ। जब जंगल में पलते हैं तो वहां देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। हिसाब का मतलब होता है कि आपको खाने के लिए अपने को रहने के लिए हर चीज संघर्ष करना पड़ता है। वो जो संघर्ष करते हैं उस संघर्ष के दौरान आपको सिखा दिया जाता है। जब बात यही आती है कि जब लोग एक ही खानदान के दोनों बच्चे हैं तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, कौरव और पांडव में इतना डिफरेंस क्यों है। डिफरेंस सिर्फ यही था कि पांडवों ने संघर्ष किया था और कौरवों को संघर्ष नहीं करना पड़ा, जिससे उनको जो बुनियादी चीजें थी वो उनको पता ही नहीं चली। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो शहजादा है इसकी स्टोरी भी है। इसमें भी जो है कि वो अमीर घर का लड़का होता है एक गरीब घर में पलता है, उसका बाप हमेशा क्योंकि उसको पता होता है कि मेरा बेटा नहीं है उसको हमेशा वो परेशान करता रहता है। लेकिन माँ का रोल जो होता है वो तो माँ ही होती है, माँ तो अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है। तो इसमें माँ का जो दिखाया गया बहुत अच्छा रोल दिखाया गया। और मैं बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि अमीर आप कैसे बनेंगे, इस फिल्म में भी ये दिखाया गया है कि अमीर आप कैसे बनेंगे। तो ये तो रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना कि हाँ जैसे कुछ लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं एक अमीर घर में पैदा होते हैं तो उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और जो गरीब घर में तो उन्हें फिर भी स्ट्रगल करके तब आप उस लेवल पे उन्हें पहुंचना पड़ता है। यही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए, जब धीरू भाई अंबानी नहीं रहे तो उनके दोनों बेटों ने उस कारोबार को वहां तक नहीं पहुंचा पाया जहां तक धीरू भाई अंबानी पहुंचा चुके थे। दोनों में विवाद हो गया और दोनों कंपनी में अलग अलग हो गई। तो पहले हो गया था ना, लेकिन उनके जाने से पहले हुआ था, तब वो बूढ़े हो गए थे ना बहुत सारा, डिवाइड तो पहले हो गया था ना। वो तो दो बेटे तो उन्होंने डिवाइड तो करेंगे करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि जब तक तुम साथ रहोगे ना तब तक तुम यहाँ इंडिया में कम से कम टॉप तो रहोगे ना। ये अमीर और गरीब वाला कॉन्सेप्ट जो है कि जो अमीर घर में है वो एज अ किंग साइज लाइफ जिएगा तो बिगड़ जाएगा, इस पे परवरिश अपब्रिंगिंग का नहीं आता कि माँ बाप कैसे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो। हाँ, मतलब एक जैसे पेरेंट्स के ऊपर भी बात आ जाती है कि उनकी परवरिश। देखिए संस्कार को किसको कहते हैं, संस्कार इसी को तो कहते हैं। तो गलती किसकी, बच्चे की। अब एक बच्चा है जो खाने के लिए, एक बच्चा है जो खाने के लिए दिन भर तड़प रहा है, एक बच्चा है जो शाम को रोज पब जाने के लिए उसके पास इतने पैसे हैं। देखिए जो गरीब घर का वो पब नहीं जा सकता है ना। अब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ले लेता हूँ, जैसे कि इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है उस इंस्टीट्यूट की जो
जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना ही इसीलिए हुई थी। अगर आप वहां पर गौर करेंगे देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब बच्चे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते, ठीक है, 90% गरीब बच्चे वहां पढ़ते हैं। आखिर क्या कारण है कि वहां अमीर बच्चों का एडमिशन नहीं होता? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जितना लोहा तपेगा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको संघर्ष नहीं करना पड़ा तो आपको उसको वैल्यू नहीं पता चल रही ना, रिश्तों की वैल्यू नहीं पता चल रही है। तो वो संघर्ष करने की वैल्यू, रिश्तों की वैल्यू अगर मेरे बड़े मुझे नहीं बताएंगे और मुझे पूरी आजादी दे देंगे कि हाँ जो करना तुम करो, पूरा फ्रीडम है, थोड़ा बहुत पैसा है, खाने की कमी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो तो एक वो तो अलग चीज, वो तो खैर वो तो वही है ना, मैं आपको बचपन से कह दूं कि हाँ देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप बिगड़ेंगे। इसका उदाहरण आप अमिताभ बच्चन घर से ले सकते हैं, अभिषेक बच्चन। देखिए जो बात हो रही है कि माता पिता का, माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक चीज है ना सर, क्रिमिनल तो कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना उसमें मैटर नहीं करता कि आप अमीर हो या गरीब। हमेशा आप माता पिता को मोहम्मत देती है, बेसिकली क्या होता है आपके आसपास का जो एनवायरमेंट आपने जो चुना है, जो आपके बच्चे चुनते हैं उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो हम फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब मान लो चलो मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, अब आगे जाकर उन्होंने मुझे छूट दे दी है, अब जो मर्जी करो, तब तो मैं मानता हूँ मेरी गलती है, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। नहीं एक ये भी तो चीज होती है, जैसे कि मान लो अब एक टाइम तक तो हम लोग घर में रहते हैं, स्कूल में भी चलता है, लेकिन जहाँ हमारी कॉलेज लाइफ शुरू होती है वहाँ एक तरह से परिवार से हम लोग थोड़ा कम होते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स में उस लाइफ में ज्यादा होते हैं। लेकिन मैंने 18-19 साल से एक चीज सीखी है कि मुझको अपना गोल पता है, मुझे फोकस पता है, मेरे को फॉलो नहीं सिखाया, ठीक है, ये थोड़ी है कि मैं बिगड़ना शुरू कर दूंगा। नहीं तो वो चीज मैटर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी इंसान बिगड़ता नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर हमारे ऊपर नहीं डियर, ये आपका एनवायरमेंट। वही तो मैं जैसे कि आपको एक्टर बनना है और या आपको डायरेक्टर बनना है या आपको म्यूजिशियन बनना है, अब आप वही किनके बीच रहते हैं, वही मैं फ्रेंड सर्कल चूज करूंगा, तो वही बात है ना सर। मतलब यार मैंने अगर वही सर्कल के बीच में भी मेरे पास दो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, एक मुझे वहां ले जाएगा, ठीक है, जहां मैं जाना चाहता हूँ, एक मुझे दूसरी दिशा में ले जाना चाहेगा, मतलब बैड हैबिट्स की तरफ, ठीक है। सबकॉन्शियसली मुझे पता ना मुझे कहां जाना है, कहां जाना है कर रहा हूं। पता है, लेकिन 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 पता है फर्क कहां हो जाता है, वहां मेरा मन नहीं लग रहा, अजीब सी मेहनत है कुछ है, लेकिन वहां मेरे को एंजॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक टाइम के लिए मैं वहां चला गया, मैं कह यार कोई बात नहीं, एक बार चला जाता हूँ, क्या जा रहा है, ठीक है। वो एक बार जाना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम उस साइड चले ही जाते हैं। मेरा मानना है कि हमेशा कंफर्ट देखा जाता है, अगर आपने कंफर्ट चुना है तो आप नहीं हो पाओगे, और अगर आपने स्ट्रगल चुना है तो हो जाओगे। जनरली जो ये सारे मेरे हिसाब से जो फील्ड्स आ गए, जैसे कि मम्मी पापा की परवरिश या फिर वो, ये इतने मायने नहीं रखते मेरे हिसाब से। नहीं रखते, स्मार्ट वर्क मायने रखता है, स्मार्ट वर्क करो ना, बस स्ट्रगल भी इतना नहीं करना आपका, जितनी आपने जैसे वही वाली बात है कि लोहा जितना तपेगा उतना वो आएगा, जितना आप वो उसके तरफ जाओगे स्ट्रगल की तरफ उतना आप रहोगे, चाहे आप अमीर घर से आओ चाहे आप गरीब घर से आओ। और एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन इतना होता है सर हर चीज को समझ सके कि क्या गलत है और क्या सही, और प्लस ये भी है कि सोसाइटी की अपनी आपकी साइकोलॉजी, ठीक है, वो साइकोलॉजी बहुत मायने रखती है। देखिए बेसिकली क्या होता है, देखो परवरिश पर तो सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि वो उसके माता पिता कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि एक पौधा होता है जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी टहनियां निकलती हैं, ठीक है ना, अगर उसकी टहनियां शुरू में आपने नहीं काटी, अब उसको आप एक बच्चे से लीजिए, बच्चे का तो मन कहेगा इधर जाने का उधर जाने का, तो उसको बताओ ना कि भाई ये गलत है ये सही है। और अगर आपने उसकी गलतियों पर पर्दा करना शुरू कर दिया, जैसा कि इस फिल्म में जब वो गलती करता है, जब सिगरेट पीता है तो सिगरेट उसे बुझा देता है, तो वो जो वाल्मीकि का पुत्र होता है, वाल्मीकि क्या करता है, वहां गमला लगा देता है, ठीक है, बियर की जो जो बोतल होती है उसमें फूल लगा देता है। मतलब देखिए आपकी कमियों को छुपाया गया, अगर वहीं पर उसको मना कर दिया जाता बेटा ये गलत है, ये सही है, ये सारी चीजें हैं, ये मत करो, बेसिकली क्या होता है उस पौधे से सीखो, नेचर से सीखो। नेचर में आप जब देखते हैं जहां घने पेड़ होते हैं वहीं पर पेड़ सीधा होता है, जहां पर अकेला एक पेड़ होता है वो चारों तरफ बिखरा होता है। आप गौर से देखिए नेचर को, आपको पता चल जाएगा। और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं कि बहुत सफल है उसको गौर से देखिए, उसने संघर्ष किया है, संघर्ष करते करते ऊपर उठा है, तब वो जाके एकदम आसमान को छूने की
क्षमता रखता है और जो व्यक्ति के पास इतना ज्यादा फैलाव आ चुका है वो कैसे करेगा। एग्जैक्टली ये फिल्म जो आज रिलीज होने वाली है 17 फरवरी को, जिसमें सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। जब इसकी जो साउथ वाली फिल्म थी उसका नाम क्या है, लव आइकन, हाँ, इसने बॉक्स ऑफिस पर 282 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। सोचिए, और ये फिल्म सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, फुल्ली फिल्म जो है म्यूजिकल है। साउथ की फिल्में तो रहती है, नहीं साउथ की फिल्मों उसको रहती है, लेकिन देखिए किसी फिल्म में संगीत का समावेश करना, इतना ज्यादा समावेश करना एक डायरेक्टर के रिस्क ही होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये यूनिक फिल्म है भाई, आपने देख ली है। नहीं, मैंने साउथ की अल्लू अर्जुन की फिल्म देखी है क्योंकि अल्लू अर्जुन मुझे पसंद है और वो बेहतरीन, उनकी जितनी भी फिल्में होती हैं उसमें एक मैसेज होता है। उनकी कोई भी फिल्म उठाकर देख लो उसमें एक आपको मैसेज मिलेगा, वो आपको एक प्रेरणा देगा। पर आपको लगता है कि कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन के स्टाइल को मैच कर पाएगा? देखिए ये लगता है टू बी नॉट एक डायलॉग था ना किसमें है? तो देखिए होगा या हो सकता है, इस सारे प्रश्नों का जवाब तो मैंने पहले पठान जब मैं बातचीत हुई कर कि जब वो स्क्रीन पे आएगी तभी हम जजमेंट देंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कार्तिक आर्यन का ग्राफ है, पंचनामा से शुरू किया, पंचनामा टू बनाया, फिर उसने लव आजकल का रिमेक में आया, फिर ये भूल भुलैया टू में आया, फिर उसने सुभाष घई के साथ भी एक फिल्म की है, तो उस ग्राफ को देखते हुए कहा जा सकता है कि आज की तारीख में कार्तिक आर्यन जो है ना लोगों के दिलों में बस रहे हैं। और एक और चीज है, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, वही तो बात लगी होगी तभी वो कि वरुण धवन को क्यों नहीं लिया गया, जबकि वरुण धवन भी एंटरटेन करता है, सब कुछ करता है, कार्तिक आर्यन ही को क्यों? लेकिन मेरे ख्याल से क्या पता डेट क्लैश कर रही हो या वो लगा हुआ कि उसके भाई को की नहीं, उसको तो काफी टाइम हो गया ना, इसको 3-4 साल इतना एंटरटेन नहीं कर रहा। आप भूल गए सुई धागा भी आम इंसान की थी, लेकिन उसकी एक फिल्म और थी उसमें कुली, कुली नंबर वन, उस पे बात नहीं करेंगे अच्छा रहेगा। नहीं नहीं उस पे बात करना जरूरी है। कुली नंबर वन को देखते हुए रोहित जो धवन है उन्होंने अपने भाई को नहीं लिया, उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि इंडस्ट्री सिर्फ अपनों से नहीं बनती है, जब तक आप नए लोगों का समावेश नहीं करोगे तब तक इंडस्ट्री में क्या है। उन्होंने एक मिसाल भी खड़ा की, इसलिए मैं देखिए रोहित जो धवन है जिनके वो सुपुत्र हैं, मैं इनकी डेविड धवन, मैं डेविड धवन को जो डायरेक्शन है ना बहुत कमाल का डायरेक्शन रहा, उन्होंने एक उच्च वर्ग और एक जो लोअर मिडिल क्लास है उनके बीच की कहानियों को बनाया है, क्योंकि कोई भी फिल्म देख लो उसमें हमेशा जहाज गोविंदा को लेकर उन्होंने अमीर और गरीब, क्योंकि जो डेविड धवन की कहानी भी कुछ ऐसी है। जॉनर की बात करें तो डेविड धवन का मतलब ये जॉनर लग रहा है शायद, अल्लाह वेंकटपुरमल्लू का वैसा ही। हर बार रोहित धवन ये तो है नहीं कि अपने भाई को ही कास्ट करेगा, अब ये कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन चाहिए। नहीं, बट अभी जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो सब अपने ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं। देखिए अपने को क्यों ना कोई कास्ट करे, मैं तो इसके विरोध में नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अगर अपने को कास्ट करते इसमें कोई विरोध में, क्योंकि सबसे पहली बात हम अपने को देखेंगे, अगर ठीक है मेरा तेरे साथ रिलेशन अच्छा है या मेरा कोई भाई है तो मैं चाहूंगा कि यार वो पहले आगे जाए। चलो एक बात बताओ, सेकंड पर्सन को क्यों कास्ट करूंगा? एक बात बताओ कि आपके और मेरे कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, मेरे पास 3-4 मूवीज लाइनअप है और आपका क्या, मुझे अभी मूवी बनानी है, आप ऑप्शन देखोगे ना? फिर तो मैं ऑप्शन यही देखूंगा ना, देख अगर तेरे साथ हो सकता है तो मैं करूंगा, अगर इन केस नहीं होगा, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन था? माइट बी फर्स्ट ओपिनियन भी तो मैटर करता है ना कि यार अभी कौन है, तो मेरे को लगता है कि शहजादा का जब मैंने टीजर देखा पोस्टर देखा तो कार्तिक आर्यन ही लगा कि हां अरे तो बात वही हो रही कि भाई इस सहजादा में कार्तिक आर्यन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि उस कैरेक्टर के हिसाब से देखिए उसमें जो चेंजेस है एक गरीब घर का और फिर एकाएक को जो अमीर बनता है, और यहाँ पर ये भी है कि अल्लू अर्जुन से थोड़ा वो कहीं ना कहीं सिमिलर फेस कट भी जाता है। नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि सिमिलर फेस का मतलब नहीं है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट की जो संघर्ष करके कोई एक अमीर बना है वो उस फिल्म की कहानी है, और ये कार्तिक आर्यन के रियल जीवन से भी प्रभावित है। तो ऐसे तो आयुष्मान खुराना भी है, राजकुमार राव भी है, इन दोनों में संघर्ष किया है। नहीं, लेकिन वो इतने एंटरटेनिंग है ना, कार्तिक आर्यन का शुरू से एक जॉनर रहा है एंटरटेनिंग। देखिए मैं बाकी एक्टरों पर तो अभी बातचीत नहीं करूंगा,
लेकिन आने वाले समय में मैं आयुष्मान खुराना और इन सब पर भी बात करूंगा। बात यहाँ हो रही है कि कार्तिक आर्यन की, कि कार्तिक आर्यन ही क्यों रोहित धवन की पहली पसंद है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा होगा ना सर, वो तो एक एज ए डायरेक्टर, अगर मैं कोई मूवी डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले ये देखूंगा कि हाँ यार मेरे हिसाब से कौन इंसान जा रहा है इस रोल के लिए, तो मैं उसी को अप्रोच करूंगा। अब रोहित को कोई ना कोई चीज उनको ऐसी लगी होगी ना उनके अंदर जो उन्होंने अप्रोच किया। देखो ये जो फिल्म है भाई बहुत मजेदार होने वाली है, क्योंकि परेश रावल जी हैं और कॉमेडी में जो हमारे छोटू भैया हैं, क्या नाम है उनका, राजपाल यादव, राजपाल यादव भी हैं, वो पुलिस कमिश्नर का रोल निभा रहे हैं। सोचने वाली बात है कितना एंटरटेनिंग होने वाला है। और मनीषा कोइराला, मतलब सोचिए आप, काफी लंबे टाइम के अभी जो उन्होंने दूसरी अपने शुरू की है भाई, बहुत सशक्त रूप में आ रही है, सोचने वाली बात है। तो अभी की जो ये फिल्म है अपने आप में फुल एंटरटेन करेगी, आपको पूरा मजा आने वाला है। तो ये 300 करोड़ तो कमाई जाएगी, देखिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कितने करोड़ कमाएगी, लेकिन फर्स्ट डे मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म 10 से 12 करोड़ रुपए का बिजनेस आराम से करेगी। 10 से 12 करोड़ हाँ फर्स्ट डे, यस, क्योंकि देखिए वो किंग नहीं है ना कार्तिक आर्यन, वो शहजादा है और सहजादा कभी किंग को पार नहीं कर सकता। मैं 17 करोड़, हो सकता है एक जमाने में वो भी, एक समय के बाद वो भी किंग बन जाए। अब शाहरुख खान से और कार्तिक आर्यन तुलना करना कोई मतलब नहीं, उसमें शहजादा के साथ फिर शहजादी कृति सैनन भी तो है, बट अगर हम साउथ की फिल्म की बात करें तो उसमें पूजा हेगड़े है और उसमें कृति सैनन, तो उन दोनों का जो एक केमिस्ट्री वो एंटरटेनिंग का, वो मेरे को कृति सैनन में इतना नजर नहीं आता कि वो मतलब उतना एंटरटेन कर पाएंगी। जो उनका वो है लुक है और जो ग्लैमर है वो भी काफी हद तक सही है, तो जो मतलब कैरेक्टर को उस मूवी की डिमांड है, जो उस मूवी में उन्होंने चाहते हैं कि वो वैसा हो। और दूसरी चीज ये हो गई कि उन्होंने, कार्तिक आर्यन ने और कृति सैनन ने पहले भी मूवीज की हैं, yes, chemistry तो केमिस्ट्री है और बॉन्ड क्रिएट करने में आसानी होगी। एक अगर हम किसी नए पर्सन के साथ काम करें, लास्ट मूवी थी लुका छुपी, उससे भी उन्होंने काफी एंटरटेन किया था लोगों को, और उनका वो एक लव केमिस्ट्री जो थी वो भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। पर मेरे ओपिनियन से मेरे को जो कास्ट लगी थी उसकी, अलविंद कुटुपुर मुंडू की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो साउथ वाली फिल्म थी उसकी कास्टिंग बेहतरीन है और म्यूजिक भी उसका बेहतरीन है। बेसिकली जो साउथ की फिल्म थी उसका जो डायरेक्टर है ना, वो साउथ के सबसे महंगे डायरेक्टर माने जाते हैं। वो अपनी फिल्मों को फीस सबसे ज्यादा लेते हैं, उनकी फीस ही किसी एक्टर से ज्यादा। तो मूवी का डायरेक्टर कौन था पहले ये बता, अल्ला वेंकटपुर मुल्लू को प्रोनाउंस कर, किसको अल्लाह वेंकटपुर मुल्लू, अल्लाह नहीं है, अल्लाह अल्लाह नहीं है, अल्लाह हां तो अल्लाह तो बोला अल्लाह अल्लाह वेंकटपुर मुल्लू। अरे मेरे बोल, ये उस घर का नाम था। अच्छा, अल्लाह वेंकटपुरम मुल्लम, हाँ, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे श्रीनिवास, त्रिविक्रम श्रीनिवास, हाँ। तो सबसे महंगे डायरेक्टर इंडिया में, नहीं वो साउथ में सबसे महंगे डायरेक्टर माने जाते हैं, साउथ द हाईएस्ट, हाईएस्ट पेड वन, तो ठीक है ना। और उस घर का नाम था, अच्छा मूवी का नाम, और उसका मीनिंग भी है, ठीक है, मीनिंग दोनों को पता होगा, नहीं हर चीज में को नहीं पता होता, थोड़ी मेहनत करो। और तू तो इतना अच्छा प्रोनंसिएशन करता है, ये कौन सी बात की भाई, कि हर चीज मुझे पता होगी, नाम पता है, नाम प्रोनंसिएशन, ये तो अल्लाह वही करता हूं पूरा, मतलब अल्लाह नहीं है, फिर से गूगल है वो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हां तो देख लो, जो मैं गलत बोल रहा हूं तो दुनिया में गलत बोलने की जरूरत नहीं है, थैंक गॉड की तो शहजादा बोल पा रहा है, शहजादा तो कभी बोल लेगा, मैं हूं ना इसलिए तो बोल पा रहा हूं, आई एम शहजादा। देखो बेसिकली क्या है कि वो जो डायरेक्टर है ना, कोई भी सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं बनता है, उसके पीछे एक सोच होती है। जैसे कि इस फिल्म को जो बनाया गया है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया, माना कि ये फिल्म जो है
फुल्ली इंटरटेनमेंट होने जा रही है। ठीक है, इस फिल्म में देखिए बेसिकली क्या है कि कोई भी फिल्म फुल्ली इंटरटेनमेंट कैसे करती है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। साउथ की तो हर फिल्म में वो रहता है ना, कोई ना कोई मैसेज रहेगा ही रहेगा। एलिमेंट्स नहीं, जैसे एक्शन हो गया, सोशल एलिमेंट हो गया, एक दो एलिमेंट्स, पारिवारिक हो गया, हाँ, क्या फैमिली होगी, थोड़ा सा दुख दर्द रहेगा, बच्चा बिछड़ जाएगा, फिर उसमें कुछ ऐसे कुछ एक रहता है कि हाँ। सबसे अच्छा एलिमेंट जिसमें मुझे लगा कि जो बच्चा होता है वो मम्मी पापा को काफी क्लोज लाने की कोशिश करता है, जो उनकी बीच की लड़ाई है, पूरा परिवार को कैसे इकट्ठा करता है, हाँ, वो सब कुछ। जो दूरियां होती है उनको, जो दूरियां होती हैं उसमें वो क्या कहते हैं, टकराव, अरे क्या वर्ड होता है वो, जो सबसे बेस्ट रिलेशन माँ बेटे का भी होता है उसमें भी, उसको भी तो एक डिफाइन किया गया है यहाँ पे ना, माँ बेटे का जो एक रिलेशन, उसको भी एक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। देखिए जो शहजादा मूवी है, सबसे ज्यादा जो जोर इसमें दिया गया है परवरिश पर दिया गया है, कहां पर किसकी परवरिश हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो ज्यादा है बेसिकली क्या है कि ये फिल्म जो है एक प्रकार से पारंपरिक परंपरावाद को बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि इस फिल्म में जो है कि मतलब वो कहते हैं, वो हमेशा सोचता रहता है कि यार मेरा बेटा कैसा होना चाहिए। जब पहली बार मतलब अल्लू अर्जुन से मिलता है, उसको देखता है तो उसको अपनी छवि दिखाई देती है कि यार मेरा बेटा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा बेटा ऐसा है। तो इस डिस्कशन को वो जा करके अपनी जो अपना जो साला है, साला नहीं ससुर है, उसको बताता है कि यार मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए। जो तब्बू है वो इस चीज को सुन लेती है, वो उसको सुनने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। देखिए कोई भी माँ अपने बेटे की बुराई को सही नहीं सकती। तो सबसे पहली बात तो इस मूवी को टोटल फिल्म भी मान सकते हैं कि टोटल सिनेमा के अंतर्गत ला सकते हैं, क्योंकि जिस फिल्म में कॉमेडी हो, एक्शन हो, इमोशन, ड्रामा हो, रोमांस, एक अच्छी स्टोरी हो, रोमांस भी हो, मतलब जो जो एलिमेंट्स, म्यूजिक हो, प्लस नृत्य हो आपको, और इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, जैसे कि मैं शहजादा जो ट्रेलर देख रहा था, तो एक प्रकार से जो कार्तिक आर्यन है ना, उन्होंने अल्लू अर्जुन की कॉपी नहीं कह सकते हो, पूरी तरह से इंस्पायर्ड लगा मुझे, इंस्पायर्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि जब उसी फिल्म का वो रिमेक है तो उसके आस पास ही वो करेक्टर को पोर्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब जैसे डायरेक्टर ने बोला होगा वैसे उन्होंने किया होगा। वही मुझे तुम्हें देख के सवाल आ रहा है कि तुमने अपने बालों को कटाया हुआ है, ये डायरेक्टर कट है कि या मतलब आप किसी फिल्म में रोल मिल रहा है या वेब सीरीज करने वाले हो, या फिर कि मतलब किसी लड़की से प्रेरणा लिया हो कि मतलब उसने बोला कुछ कट कुछ तो रहा होगा दिमाग में। थोड़े दिन पहले जो ना एक राज है ये, तो ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं, मैं कहां काम कर रहा हूं, ये कैसे, उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं। इंडिकेशन तो दे सकते हैं ना, मतलब क्या है, मतलब हां हिंट तो देना ही चाहिए। अभी मैंने वो दे रहा था WWE, तो उसमें वो एक है रोमन रेंस है, मैं भी वही सोच रही हूँ क्या। तो वो काफी मेरे को अट्रैक्टिव का कट लगा, लेकिन और भी कुछ है जो अभी मैं रिवील नहीं कर रहा, लाइक टू बी फिंगर क्रॉस्ड सबको सही होता है तो बढ़िया। देखिए बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपने कटिंग करवाया है ये भी कहीं से आपने प्रेरणा ली, बस सवाल मेरा पूछने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि आप कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुए, तो उस जो आपका इंस्पायर होना या इंस्पिरेशन जो है वो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उसके आसपास जाने की आपने कोशिश की, भले आपने इसमें अपना नया टच डाला हो। उसी प्रकार से कार्तिक आर्यन भी शहजादा में अपना टच तो डालेंगे, कोई भी एक्टर अपना फ्लेवर कैसे छोड़ सकता है, जब अपना फ्लेवर छोड़ देगा तो खुद उसका खत्म हो जाएगा ना, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रीमेक की बात कर रहे, कबीर सिंह हो गई उसमें, तो मेरे को ऑलमोस्ट सेम सेम ही लगा कि हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने दोनों फिल्में देखी थी कबीर सिंह में, देखिए कहा जा सकता है कि मतलब वो एक बहुत ज्यादा इंटेंस थी, और इसको इन्होंने फुल्ली रोमांटिक किया अपने तरीके से, शाहिद कपूर ने किया, कबीर सिंह में शाहिद कपूर बहुत अच्छे से किए थे, तभी वो। तो ये तो कॉपी, अगर ऐसा कहे तो बहुत सारी मूवीज है बॉलीवुड में साउथ की बनी है बिल्कुल, जैसे वॉन्टेड से ले लो, वॉन्टेड थी सलमान खान की, ठीक है, इसकी अक्षय कुमार की थी, राउडी राठौर, ठीक है, आर राजकुमार, शाहिद कपूर की, पर नहीं, इन सब में से वही वाली बात है कि
कि इंस्पिरेशन ली है, वो ज्यादा पूरा का पूरा कॉपी कर देंगे तो फिर वो उसका अपना वो खत्म हो जाएगा ना कि उसने क्या नया डाला। हाँ, वो जो आप बोल रहे इंस्पिरेशन, देखो उससे एक बहुत अच्छा ये आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि उन फिल्मों को दोबारा बनाया जा रहा है। उन फिल्मों कुछ खासियत तो होगी, अजय देवगन ने भी दृश्यम बनाई, दृश्यम टू बनाई, फिर सिंघम बनाई, सिंघम टू बनाई, और फिर सिंघम थ्री की भी बात हो रही है। हर कोई उन फिल्मों का रिमेक क्यों करता है? लैंग्वेज बेल्ट की वजह से तो डब भी कर सकते हैं, बट क्या पता ज्यादा पैसा छाप लो, और क्या पता कंटिन्यूटी में आने के लिए, बिकॉज़ क्या होता है कि लोगों को उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है, देखिए मेरे को लगता है कि बॉलीवुड में कंटेंट थोड़ा कम हो गया। नहीं, ये कहना मुश्किल है, बॉलीवुड में कंटेंट की कमी नहीं है। देखिए दियर, जो साउथ का सिनेमा इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड से बाहर नहीं है, वो सब बाप तो बाप ही होता है आखिरकार। बेटा कितना ही बड़ा हो जाए वो बाप का दर्जा कभी ले नहीं सकता है, ठीक है ना? तो बॉलीवुड बॉलीवुड है, ठीक है, और तेलुगु मलयालम ये सब है। देखिए हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, देखिए उनका जो एक ऑडियंस है उसका एक सीमित दायरा है, ठीक है। अब उसको अगर नेशनल स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना है तो उन फिल्मों का रिमेक होना जरूरी है और अनिवार्य है। जैसे कि अब जैसे सलमान खान ने जो वांटेड की है या जो आमिर खान ने गजनी की है, अब ये फिल्में जब बनी बॉलीवुड में तो पूरा दुनिया जान गया, पूरी दुनिया जान गई उसके बारे में। मेन चीज ये ना, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। हाँ, बॉलीवुड ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है अगर हाँ। देखा जाए तो। अब जैसे तुम कहते हो बाहुबली आई, ट्रिपल आर आई, इसको सपोर्ट किसने किया? बॉलीवुड का कौन सकता? मेन चीज करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपको इमेज को बहुत बड़ा बनाना है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो आपको होना चाहिए ना। लेकिन केजीएफ का तो था ना मेजर होल्डिंग, वहीं से थी पैन इंडिया था ना सर, पैन इंडिया। देखिए जब केजीएफ बनी ना तो बार बार ये उसमें क्यों उसके डायरेक्टर और जो हीरो बात करने लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन की जंजीर याद आएगी। अमिताभ बच्चन को क्यों उसे कनेक्ट किया गया? नहीं ऐसा भी, केजीएफ में संजय दत्त था। लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए पहले अधीरा, अगर आप उसमें केजीएफ चैप्टर वन के एंड में देखोगे अधीरा का वो लुक नहीं लग रहा संजय दत्त वाला, लेकिन उसको लिया। कार्तिक साउथ में डेब्यू करने का तो प्लान नहीं कर रहे अगर ऐसा कुछ मे भी क्या पता साउथ में। देखिए अभी बेसिकली क्या है कि हर कोई अच्छा कंटेंट, मैंने कोई बॉलीवुड एक्टर देखा नहीं ऐसे कुछ लॉन्च होते हुए साउथ में। फीमेल एक्ट्रेस के छोड़ दो, फीमेल एक्ट्रेस तो आते जाते करते वहां पे, मैंने कोई मेल स्टार नहीं देखा। कि अजय देवगन ने क्यों ये साउथ, अमिताभ बच्चन ने कैमियो किया है, कैमियो कहना है, अजय देवगन ने किया है, सलमान खान ने भी हाल ही में किया एक फिल्म में कैमियो, सबने किया, गॉडफादर में किया था। देखिए ये माने नहीं रखता है कि आपका कितना बड़ा रोल है, माने रखता है कि आप कहाँ काम कर रहे हो। एक प्रकार से कह सकते हो कि जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है और जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है दोनों एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। एक चीज तो ये भी है ना, जैसे कि ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, और जो बाकी शहरों की इंडस्ट्री है वो एक तरह से स्टेट लेवल प्रेजेंट करती है ना। अगर देखा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड कौन प्रेजेंट कर रहा है तो बॉलीवुड है ना, तो ऑल इंडिया प्रेजेंटर तो बॉलीवुड ही हुआ ना। यस, जैसे कि हॉलीवुड है, सबका बाप किसको बोला जाता है? हॉलीवुड को। देखिए बेसिकली कोई बाप ऐसा कैसे बनता है? हॉलीवुड के पास क्या टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे बॉलीवुड के पास अभी नहीं। माना कि बॉलीवुड की कहानियां अच्छी हैं, जैसे लोग सोचते हैं कि यार हम हॉलीवुड का कॉपी करते हैं, अरे भाई तुम्हारी फिल्मों का भी कॉपी होता है वहां। सर टेक्नोलॉजी तो आई ना, ये देखो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पैसा होगा ना, तो इतना सारा पैसा आया कैसे बने करोड़पति के करोड़पति, मतलब इतना सारा पैसा जनरस के लिए भी टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? देखिए टेक्नोलॉजी के भी पैसा चाहिए उसके लिए काम करना पड़ता है। हॉलीवुड को पीछे कैसे होने? हॉलीवुड को पीछे छोड़ने का हमारा सवाल ही नहीं, बॉलीवुड कभी और एक दिन मैं बोलूंगा आपको कि बॉलीवुड और हॉलीवुड साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, ये पूरा उम्मीद आने वाले समय में। नहीं ये तो हो ही रहा है। हाँ ये तो हो भी रहा है, जैसे सलमान खान वहाँ के हीरोनों को लाकर अपने काम दिलाते हैं। हॉलीवुड भी आता है, सवाल हॉलीवुड आता है कि मैं शहजादा कैसे बनूंगा, तो वही करोड़पति कैसे बनूंगा, अरबपति। मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ आपके अंदर जो कहते नहीं कि सेल्फ कंट्रोल,
आप अपने ऊपर संतुलन कैसे करोगे, जैसे कि किसी को बॉडी बिल्डर करना, बॉडी बनानी है, जिम करना है, तो हमेशा उसके नियम होते हैं कि आपको कितना खाना है, कितने उठना है, कितना वर्कआउट करना है, कितना मसल्स को आपको कितना रिलैक्स देना करना है जिससे कि वो आराम कर सके। उसी प्रकार से अमीर बनने के कई चरण हैं और हर चरण में पहला चरण तो यही है कि आपको अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करो। ये जो दुनिया की भाग दौड़ की जो जिंदगी है, आप इतना उससे प्रभावित हो जाते हो कि उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो और कहीं ना कहीं जो आपका जो मेन गोल है वो छूट जाता है। तो कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर आएगी कैसे? देखिए, वो कंट्रोलिंग पावर कैसे आती है, जैसे मैं आपको कार्तिक आर्यन को बता देता हूँ कि उसके घर में सारे डॉक्टर, उसकी बहन डॉक्टर, उसकी माँ डॉक्टर, उसका बाप डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर नहीं बने, वो पसंद नहीं होगा। पसंद या ना पसंद का सवाल ही नहीं, बात एक कैनवास या कुछ अलग करना। एक डॉक्टर का कैनवास कितना बड़ा हो सकता है? आप अगर नेम और इमेज की बात करें तो बॉलीवुड जो कोई भी एक्टर या फिर ऐसा कोई हो, ऐसे ही बात हुई थी कि नेम की बात आए तो शाहरुख खान को असम के जो, और जो छापने की बात कर रहे हो तो वो शाहरुख खान का नाम ले लो ना, शाहरुख खान को नहीं जानते थे असम के चीफ मिनिस्टर, वो तो पठान के बाद आया, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। डियर, दुनिया तो उसको सच मानेंगे ना, आम जनता जो है वो तो वही मानेंगे ना कि शाहरुख खान। आज के टाइम पे ये चीज देखो ना, ऑल ओवर वर्ल्ड उनको जाना जा रहा है और इंडिया में एक बंदा ये कह रहा है कि मैं उसे नहीं जानता। ये वही वाली बात है कि आप सोचने वाली बात है कि क्या सच है क्या झूठ है, ये तो साफ पता चल पा रहा है। इसमें कोई पूछने वाली बात आज के टाइम पे वही चीज है ना, शाहरुख खान नाम, शाहरुख खान एक ऐसी चीज हो गया कि चीफ मिनिस्टर ने खुद शायद ही कोई होगा बच्चे तक को पता होता है कि हाँ भाई कौन है। कार्तिक आर्यन कौन नहीं जानता, बहुत से लोग नहीं जानते, जैसे ग्वालियर में पैदा हुआ, ठीक है, ग्वालियर कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है, फिर मुंबई में उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की पूरी की, सारा कुछ किया, फिर उसने यहीं पर जो शिक्षा भी ग्रहण किया और यहीं पर उसने अपनी कर्मभूमि भी चुनी। सबसे पहली बात, अगर आप देखते हो किसी को अमीर बनना है तो वो जो करना चाहता है उसको किन किन स्टेप को करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना कि सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी है। तो पहला स्टेप होगा कि सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल मेरे हिसाब से ये होगा ना कि उस फील्ड के आसपास ही आप कंट्रोल में रहो और उसी फील्ड, अगर आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, मतलब एक तरीके से आप जेलस फील ना करो, आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि नॉलेज, नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। पहले आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, या आप कंपनी खोलना चाह रहे हो, या आप एक्टर बनना चाह रहे हो, या आप बिजनेस करना चाह रहे हो, उसके बारे में नॉलेज देखो। अगर आप जब स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में आप क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन उस नॉलेज को यूज कैसे करना है ये नहीं बताया जाता। आपको कितनी भी पढ़ाई कर लो, सिर्फ आपको इतना बताया जाता है सीवी कैसे बनाई जाती है। सीवी मतलब समझते हो, आपको अपना बायोडाटा कितना बनाया जाता है, इसके आगे कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, यहाँ तक कि मैनेजमेंट में भी नहीं सिखाया जाता। मैनेजमेंट सिखाया जाता किसी काम को कैसे करो, ये नहीं बताया जाता कि इस काम को करने के बाद आप यहाँ तक पहुंच जाओ। तो ये शहजादा बनने का वन स्टेप, तो प्रोसेस अच्छा होना चाहिए ना, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। अगर प्रोसेस ही खराब हो गया तो रिजल्ट के क्या करेंगे। देखिए, आप पढ़ रहे हो इंजीनियरिंग की, जैसे कि कार्तिक आर्यन ने क्या किया, इंजीनियरिंग किया बायोटेक्नोलॉजी में, उसको इंजीनियर तो नहीं बनना था। अगर उसी समय उसको एक्टर की भी ट्रेनिंग दी गई होती जो कि उसने बाहर से लिया, मैंने कहा ना कि जब आप किसी काम को कर रहे हो उसके बारे में नॉलेज कितना कर सकते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सोर्स कौन कौन से, कहीं हो सकता है कि आपने कहीं गलत जगह से फैक्ट्स ले लिया, क्या पता फैमिली सपोर्ट ना कर रही हो उस समय, हाँ घर से बाहर निकल के फिर देखें। नहीं, जब उन्होंने पहली मूवी साइन की थी तभी उन्होंने अपने माता पिता को बता दिया था,
मूवी साइन करने के बाद बताया ना, उससे पहले तो क्या पता सपोर्ट ना मिल रहा नहीं, सपोर्ट तो मिला है उनको, फैमिली सपोर्ट तो पूरा मिला था, सपोर्ट तभी आज शायद नहीं उन्होंने बताया नहीं था फैमिली को, एक्टिंग का बताया नहीं था। हां लेकिन जब मूवी उन्होंने कर कर ली तो मतलब एक्टिंग के बाद, मतलब जब मूवी साइन हो गई थी तब उसके बाद बताया। और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सपोर्ट ना हो, क्योंकि देखो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट एक्टिंग के रिलेटेड शायद बोला हो कि चाहे उनके माहौल में ऐसा हो ना, जैसे आम इंसान के मौते की एक्टिंग क्या है, कुछ अच्छा नहीं है, सब गंदा गंदा होता है यहाँ पर। नहीं एक तरह से देखा जाए तो उनके जैसे फैमिली बैकग्राउंड को अगर देखे तो अच्छे खासी एजुकेटेड फैमिली है, चीजों को समझ सकती है हर चीज को, तो ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं होगा यार, सपोर्ट काफी वेल फाइनेंस्ड भी, फाइनेंशियल सपोर्ट तो ज्यादा होगा। एक अगर अगर आप कहीं एक पिछड़े गांव से आते हो जहाँ पे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, तो वो कह सकते हैं कि यार एक सपोर्ट नहीं करेगी फैमिली, बट शहरों में आजकल ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ना करे। इसी देखो यही कारण रहा ना कार्तिक कारण, बहुत कम समय में उनको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा जितना, जैसे कि आप मनोज बाजपेयी देखते हो, नवाज को देखते हो, पंकज त्रिपाठी को देखते हो, इन सबको 17 साल 18 साल लगते। मैं ये कहूंगा ना कि लव रंजन का बहुत बड़ा हाथ हुआ इनमें। देखिए लव रंजन का बहुत बड़ा हाथ नहीं कह सकते हो, उसमें कार्तिक कारण बहुत बड़ा हाथ कह सकते हो। उनको जैसे ही पता चला कि यहां से कुछ हो सकता है वो उसके पीछे पड़ गए। अगर आपको लग रहा है कि आपको यहां से सफल हो जाओगे तो वो आप देखो स्टडी करो कार्तिक आर्यन के बारे में, जैसे उसको पता चला कि मुझे अब एक्टर ही बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, तो उसने सबसे पहले क्या किया पता है, जाके एक्टिंग की ट्रेनिंग ली विधिवत। ज्यादातर क्या लोग लोग बोलते हैं एक्टर बनने के लिए आ जाते हैं, ट्रेनिंग ही नहीं लेते कहीं से, बनना तो एक्टर है लेकिन उनको यही नहीं पता है कि कैसे शब्दों का उच्चारण करना। यही कारण है कि प्यार का पंचनामा में जब उन्होंने 5 मिनट का जो संवाद बिना कट के बोला, उस समय तक का सबसे लंबा बोला जाने वाला उस संवाद माना जाता है, और अपने आप में लाजवाब है। और जबकि सोचिए वो जो फिल्म थी वो नारी विरोधी फिल्म थी पूरी तरह से,